आरकेजी इंस्टीट्यूट बाय सी पराग गुप्ता। ईयर 1600, ब्रिटेन में एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मींस इस कंपनी की इक्विटी बहुत सारे शेयर्स में डिवाइड है, जिनको अलग अलग लोगों ने खरीदा हुआ है और ये लोग कहलाते हैं इन्वेस्टर्स। इस कंपनी में बहुत सारे ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे थे। इस कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। इस कंपनी का काम था कि ये एशियन कंट्रीज में जाकर ट्रेड करेगी। तो अब आ जाते हैं ईयर 1608 में, जब ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंडिया आने की सोचा। हमें इंडिया जाना चाहिए, वहां हम स्पाइसेस की ट्रेड कर सकते हैं, जिससे हम मीट को प्रिजर्व करके रख पाएंगे। यस कैप्टन, स्पाइसेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर 1608 में ब्रिटिशर्स सूरत इंडिया में वाटरवेज के थ्रू एंटर करते हैं। उस समय इंडिया में जहांगीर का शासन था। इंडिया आने के बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को समझा और अपने रिलेशंस बनाए। और फिर ईयर 1613 में कुछ ऐसा होता है। महाराज, हम सूरत में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। हम ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री खोलने का आदेश देते हैं। ये जो पेपर मुगल एम्पायर जहांगीर ने ब्रिटिशर को दिया, इसे फार्मैन कहते हैं। मुगल रूल के टाइम पर फार्मैन एक लीगल बिल होता था, जिसके थ्रू एम्पायर लोगों को परमिशन देते थे। मुगल एम्पायर जहांगीर ने फार्मैन के थ्रू ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी सूरत में फैक्ट्री खोलने की। और फिर धीरे धीरे करके ये कंपनी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तक फैल गई। हमें और पैसे कमाने के लिए इंडिया के ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होंगे। कैप्टन, हम इंडिया में इतने सालों से रह रहे हैं, हम जानते हैं इंडिया बहुत सारे प्रोविंसेस में बटा हुआ है। अगर हम इन सारे प्रोविंसेस पर कब्जा कर लेते हैं तो हम इंडिया के रिसोर्सेस का आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में पूरी तरीके से घुस पाए थे। और फिर ऐसे ही कुछ समय बाद 1757 में ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी जीत होती है, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला को एक बैटल में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। उस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की जीत से उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो अब इंडिया पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री साबित हुई और इसके बाद से ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी, जिसकी वजह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर भी आ गई थी। जब इस सब के बारे में ब्रिटेन की सरकार को पता चलता है,
1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी को हटाकर इंडिया पर डायरेक्ट रूल करना चालू कर दिया। और इससे ही शुरुआत होती है ब्रिटिश राज इन इंडिया। मींस अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर रूल करेगी। यहाँ के प्लान्स और पॉलिसीज बनाने का अधिकार अब ब्रिटिश सरकार का होगा। मींस देश तो हमारा है लेकिन सरकार ब्रिटेन की है। जब एक देश दूसरे देश पर राज करता है तो इसे कॉलोनियलाइजेशन कहते हैं। जो कंट्री राज करती है उसे रूलर कंट्री कहते हैं और जिस कंट्री पर रूलर कंट्री रूल करती है उसे कॉलोनी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश राज की वजह से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ। और ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया कैसा देश था। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले एक तिहाई लोग खेती करते थे, मींस खेती से अपना जीवन चलाते थे, और कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काम करते थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत एक स्वतंत्र और समर्थ देश था। अब जानते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद किया। हमें इंडिया में गवर्नमेंट चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए होगा। यस सर, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करनी होगी जिससे हम वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ले पाए। यस यू आर राइट, वी विल लॉन्च जमींदारी सिस्टम। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम लॉन्च कर दिया। जमींदारी सिस्टम के अंदर किसानों की जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया जाता है। जमींदार किसानों से खेती करवाता है और उस खेती से जो भी फायदा होता था वो जमींदार के पास जाता था, जिसको लगान कहते थे। उस लगान के 11 हिस्से किए जाते थे, जिसमें से 10 हिस्से ब्रिटिश सरकार के पास जाते थे और एक हिस्सा जमींदार के पास जाता था। जमींदार, सारे किसानों से कह दो लगान फिक्स डेट पर ही देना होगा, जो नहीं दे पाए उससे उसकी जमीन छीन लो। जी सरकार। जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों के भले के लिए कुछ भी नहीं करते थे, ना उन्हें कोई इरिगेशन फैसिलिटी देते थे, ना कोई उन्हें सीड्स देते थे, कोई भी फैसिलिटी नहीं देते थे और उनसे उनका फायदा भी ले लेते थे। ब्रिटिश राज के समय किसानों की सबसे बुरी हालत कर दी थी। कैप्टन, हमें ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। हमें ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया से रॉ मटेरियल चाहिए होगा। हम अपनी एक पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं जिस पॉलिसी के अंदर हम इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएंगे और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड बनाकर इंडिया के मार्केट में सेल करेंगे। यस सर। सर, इंडिया में सारे फार्मर्स फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं। हमें रॉ मटेरियल के लिए कैश क्रॉप्स ज्यादा ग्रो करवानी होगी। कैप्टन, इट इज इजी। हम बेचारे किसानों को लालच देकर उनसे कैश क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हैं।
Yes, you are right. हम इंडियन फार्मर्स को कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ज्यादा पे करेंगे। सारे फार्मर्स से कह दो कि अगर उन्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे। इस तरह से इंडिया में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, मींस लोग फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे। जो फूड क्रॉप्स वो खुद के कंजप्शन के लिए ग्रो करते थे, अब वो नहीं करते हैं, वो कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसे वो मार्केट में बेचेंगे और उन्हें उनसे ज्यादा पैसा मिलेगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से इंडिया में बहुत बुरी हालत हो गई थी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आया था जब इंडिया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चरल सेक्टर को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से सारे किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे और कुछ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थे। इंडिया में उस समय जो इंडस्ट्रीज थी वो कम थी, लेकिन उनकी रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में थी। इंडिया को उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनसे ये भी नहीं देखा गया, जैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया था, वैसे ही उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बर्बाद हो गया था। तो अब हम आगे जानते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बर्बाद कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स होता है इंडस्ट्रीज को बंद करना। इंडिया में उस समय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ही हुआ करती थी, तो हम कह सकते हैं इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स होगा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे कोई भी न्यू मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में ना आ पाए। और अपनी ऐसी पॉलिसीज के थ्रू ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाया। लेकिन इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ? What is the motive of British rule behind the deindustrialization? Deindustrialization के पीछे दो main reasons थे। पहला, इंडिया से सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाए ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए। जब इंडिया में कोई इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, जिससे ये रॉ मटेरियल अब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए सस्ते में मिल पाएगा। और दूसरा रीजन था कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें इंडियन मार्केट में बेचा जा सके, वो भी हायर प्राइसेस पर। इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री ना रहे जिससे इंडिया में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस ना हो पाए और इंडिया के पूरे मार्केट में सिर्फ ब्रिटिशर्स के बनाए हुए गुड्स आए, जिससे किसको फायदा होगा? पूरा ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को। हेंस दीज आर द टू मेन रीजंस फॉर द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। लेकिन एक क्वेश्चन अब भी आता है, ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म किया? व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज renowned handicraft industries?
The main reason for decline of India's renowned handicraft industry was the introduction of discriminatory tariff policy by the colonial government. The policy allowed free export of raw materials from India and free import of final goods of Britain industries to India. But heavy duty was imposed on the export of Indian handicrafts. As a result, Indian markets were full of finished goods from Britain, which were low priced. It led to the decline of Indian handicrafts, both in the domestic market as well as in the export market. British government ने discriminatory tariff policy launch कर दी थी. इस policy के हिसाब से India raw material freely export कर सकता है और Britain की industries के बने हुए finished good freely import भी कर सकता है. लेकिन Indian handicrafts को export करने पर heavy duty impose कर दी, जिसकी वजह से ये goods बहुत महंगे हो गए. As a result, foreign countries में इन goods की demand कम हो गई और domestic market में Britain industries के finished goods थे, जो comparatively Indian handicraft से सस्ते होते थे, क्योंकि ये goods Britain में machines से produce किए जाते थे, जिसकी वजह से domestic market में भी Indian handicrafts की demand कम हो गई. और इन रीजंस की वजह से ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट दोनों में खत्म हो गई. नाउ सेकंड, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बंद होने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसकी वजह से High level of unemployment और दूसरा import of finished goods from Britain. Now third, lack of capital good industries. Capital good industries उन industries को कहते हैं जो ऐसी machines और ऐसे tools produce करती हैं जिन machines और tools के इस्तेमाल से और goods और services produce किए जाते हैं. ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया में कोई भी ऐसी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, जिसकी वजह से इंडिया में ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया. फोर्थ, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ बहुत कम थी, इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम रहा. फिफ्थ, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. उस समय पब्लिक सेक्टर सिर्फ रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और पोर्ट्स तक ही सीमित था. मींस पब्लिक सेक्टर की तरफ से भी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया था. फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडिया रिमेन्ड बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. Now, foreign trade. इस हेडिंग में हम जानेंगे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर फॉरेन ट्रेड की क्या हालत हो गई थी. इसे हम तीन पॉइंट्स में समझते हैं. फर्स्ट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बना दी थी जिसकी वजह से इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकता था. रॉ मटेरियल में कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट आते थे और इंडिया में ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के बनाए हुए गुड्स को इंपोर्ट किया जाता था. इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, etc. and an importer of finished consumer goods
like cotton, silk and woolen cloths, and capital goods like light machinery produced in British industries. Second point, monopoly control of British rule. British government maintained a monopoly over India's export and imports. British government ने Indian exports और imports पर monopoly control बनाया हुआ था. British government ने ऐसी policies frame की थी जिनकी वजह से India को restrict कर दिया कि वो आधे से ज़्यादा trade सिर्फ ब्रिटेन के साथ कर सकते हैं और थोड़ी बहुत ट्रेड चाइना, सीलोन और पर्शिया के साथ अलाउ थी. सीलोन को आज श्रीलंका कहते हैं और पर्शिया को आज ईरान कहते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के बनाए हुए फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता था. इंडियन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से एक्सपोर्ट सरप्लस होता था. ये एक्सपोर्ट सरप्लस भी ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज कर लेती थी इन तीनों पर्पसेस के लिए. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वॉर करती थी उनके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए इस सरप्लस का इस्तेमाल करती थी. दूसरा, इंडिया में इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए भी इस सरप्लस का यूज करती थी. इनविजिबल आइटम्स होते हैं सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी ले लेना, इंश्योरेंस फैसिलिटी ले लेना एटसेट्रा. और थर्ड, कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो ऑफिस था ब्रिटेन में उसके एक्सपेंसेस को भी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इसी सरप्लस का इस्तेमाल करती थी. तो इन तीनों पॉइंट्स से हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी से इंडिया की फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से बर्बाद किया. नाउ फोर्थ, डेमोग्राफिक कंडीशंस. डेमोग्राफिक कंडीशन मींस होता है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करना, जैसे उनकी बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लोग कितना पढ़े लिखे हैं और उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन. तो अब जानते हैं कि कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी. डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ज्यादा थी और इसके अलावा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मीन्स होता है हर 1000 न्यू बॉर्न बेबीज में से कितने बेबीज ऐसे हैं जो एक साल के होने से पहले ही मर जाते हैं. मीन्स हर 1000 बच्चे पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल के होने से पहले मर जाते हैं. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन होगी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर. नाउ लिटरेसी रेट. इंडिया में उस समय कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं था, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं हुआ करती थी, इसीलिए उस समय लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम थी, हैंस एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. नेक्स्ट, हेल्थ फैसिलिटीज. उस समय कोई हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी और ना ही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करते थे, इसीलिए हम कह सकते हैं पुअर हेल्थ फैसिलिटीज. नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. पुअर हेल्थ केयर और मेल न्यूट्रिशन की वजह से लोग ज़्यादा नहीं जी पाते थे, इसीलिए लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर. ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी बेकार था, लेकिन तब भी
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, टेलीग्राम, इन सब को डेवलप करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए थे। तो फिर जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया। फर्स्ट, रोड्स। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रोड्स के कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। थोड़ी बहुत रोड्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्ड की थी वो आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए और रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए की थी। सेकंड, रेलवेज। 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस कराया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन 1850। रेलवेज की वजह से अब इंडियंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। इसकी वजह से ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स भी टूट गए थे। अब लोग दूर दूर से ट्रेवल करके एक दूसरे से मिल सकते हैं, जिससे ज्योग्राफिकल बैरियर्स दूर हो जाते हैं और सारे इंडियंस एक साथ ट्रेवल कर पाते हैं एक ही ट्रेन में, और एक दूसरे के कल्चर को जान पाते हैं, उन्हें देख पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और न्यू प्लेसेस पे जाके और लोगों के कल्चर को भी जान पाते हैं, जिससे कल्चरल बैरियर्स भी दूर हो जाते हैं। रेलवेज की वजह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से विलेज इकोनॉमीज पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। उनकी सेल्फ सफिशिएंसी रेट बिल्कुल खत्म हो गई थी। लोग कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमाइंस आए इंडिया में। नाउ थर्ड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये डेवलपमेंट कुछ ज्यादा खास नहीं था। फोर्थ, कम्युनिकेशन। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने समझा कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ इंडिया में पोस्ट और टेलीग्राफ्स भी यूज किए जाते थे। हालांकि जो पोस्टल सर्विसेज थी वो कुछ ज्यादा खास नहीं थी। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल, बैकवर्ड, सेमी फ्यूडल, स्टैग्नेंट, डिप्लीटेड, एम्प्यूटेड इकोनॉमी में बदल दिया। कॉलोनियल इकोनॉमी मीन्स ऐसी इकोनॉमी जो दूसरी कंट्री के कंट्रोल में हो। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 200 ईयर्स तक रूल किया था। ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया, और फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से जो एक्सपोर्ट सरप्लस होता था वो भी खुद के पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया, जिसकी वजह से इंडिया की बहुत सारी संपत्ति खत्म हो गई थी, जिसको हम कह सकते हैं ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को भी इनकरेज किया था, जिससे इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी खत्म होती जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि इंडिया को अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अमेरिका से वीट इंपोर्ट करना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी कॉलोनियल पॉलिसी से बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ था। और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मीन्स होता है ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक पर्सन के पास पूरी पावर हो और दूसरा पर्सन उसके अंडर में काम करे। ये सेमी फ्यूडल रिलेशन इंडिया में
टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में था, लैंडलॉर्ड यानी जमींदार। इंडिया में जो जमींदार थे वो जमीन के मालिक हुआ करते थे और वो उस जमीन पर खेती टेनेंट्स से करवाया करते थे। टेनेंट्स को जो भी फायदा होता था खेती से वो सारा जमींदार ले लेते थे लगान के फॉर्म में। इसके अलावा जब इंडिया में कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई तो जो उनके ओनर्स यानी कैपिटलिस्ट थे वो जो लेबर एम्प्लॉय करते थे वो उनको अपने कंट्रोल में रखते थे। उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता था जैसा जमींदार टेनेंट्स के साथ करता था। इन दोनों केसेस में इंडिया में फ्यूडल रिलेशंस बताए गए हैं। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी मींस होता है ऐसी इकोनॉमी जो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही हो। और बैकवर्ड इकोनॉमी मींस ऐसी इकोनॉमी जो हर चीज में पीछे हो, जैसे इंडिया में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटा इनकम, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मास लिटरेसी, इन सब फैक्टर्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी कहा गया है। और डिप्लीटेड इकोनॉमी मींस ऐसी इकोनॉमी जिसके फिजिकल असेट्स जैसे प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स डेप्रिशिएट हो चुके हैं और इन डेप्रिशिएटेड असेट्स को रिप्लेस करने के लिए कोई नए असेट्स का इंतजाम नहीं किया गया है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सारे फिजिकल असेट्स का पूरा यूज कर लिया था लेकिन उन असेट्स को रिप्लेस करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए तो इंडिया में जितने भी असेट्स थे वो सारे डिप्लीटेड थे। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को डिप्लीटेड इकोनॉमी कहा गया है। और एम्प्यूटेड इकोनॉमी मीन्स ऐसी इकोनॉमी जो डिवाइड हो चुकी है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई जिसकी वजह से इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा जाति और कल्चर के बेसिस पर, जिससे इंडिया के दो हिस्से हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। मींस ब्रिटिशर्स की डिवाइड और रूल पॉलिसी की वजह से इंडिया का पार्टीशन हो गया। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को एम्प्यूटेड इकोनॉमी कहा गया है। ये था इंडिया का हाल इंडिपेंडेंस के वक्त, मींस स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 200 साल तक रूल किया। इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए तो इंडिया की इकोनॉमी का कैसा हाल था। अब जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऐसी स्टैग्नेंट बैकवर्ड इकोनॉमी को ग्रो करना है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऐसी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उन्हें क्या प्लान्स और पॉलिसीज बनानी चाहिए और कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम उन्हें चूज करना होगा जिससे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर सके। लेकिन ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। एक कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। हर रिसोर्स से अलग अलग टाइप के गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। जैसे लैंड एक रिसोर्स है। हम चाहें तो इस लैंड पर खेती कर सकते हैं या हम चाहें तो इस लैंड पर पार्क बना सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें इस रिसोर्स को कैसे यूज करना है। तो ऐसे ही कंट्री के सारे रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है इसका डिसीजन भी गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, जिससे कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सके
और लोगों का वेलफेयर भी हो सके। और फिर ये डिसीजन हो जाने के बाद एक और डिसीजन आता है कि हम ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किस तरीके से करेंगे, मशीन्स से करेंगे या लेबर्स के थ्रू करेंगे। ये डिसीजन भी गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। और फिर ये डिसीजन लेने के बाद कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करके जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो कौन यूज करने वाला है, मीन्स ये गुड्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, ये डिसीजन भी गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों प्रॉब्लम्स को बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हम कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम कैसे गुड्स प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, और हम किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना पड़ता है। इकोनॉमिक सिस्टम तीन टाइप्स के होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं वो सारे रिच पीपल खरीद लेते हैं और उन रिसोर्सेज से जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो उनके डिसीजन से ही होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होती हैं। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक ही मोटिव होता है, वो है प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं जिन्हें प्रॉफिटेबली बेचा जा सके। और दूसरी प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उस मेथड को यूज किया जाता है जिससे गुड्स ज्यादा सस्ते में प्रोड्यूस हो सके। अगर कंपनी को लेबर सस्ते में मिल रही है तो वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे। अगर कंपनी को लगता है कि मशीन्स के थ्रू गुड्स सस्ते में प्रोड्यूस होंगे तो वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड का यूज करेंगे। और तीसरी प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इस इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज उन लोगों के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं जो इन गुड्स और सर्विसेज को खरीद पाएंगे, मींस जिसके पास पैसा होगा वो इन गुड्स और सर्विसेज को खरीदेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं खरीद पाएगा। नाउ सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कंट्री की रिसोर्सेज का यूज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। तो जानते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट कंट्री की रिसोर्सेज का यूज करके ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है जिनकी लोगों को जरूरत है। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज को ऐसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और लोग और गुड्स भी सस्ते में प्रोड्यूस हो पाए। और तीसरी प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इस इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज उन लोगों के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनको इन गुड्स और सर्विसेज की जरूरत है। थर्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलके कंट्री के रिसोर्सेज का यूज करते हैं और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ये थे तीनों इकोनॉमिक सिस्टम और इन तीनों सिस्टम में से इंडियन गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया।
इकोनॉमिक सिस्टम चूज करने के बाद गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें ऐसी पुअर, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्लानिंग की जाती है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर डिसीजंस व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटरमिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्रेहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। और फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए जो लीडिंग रोल दिया वो पब्लिक सेक्टर को दिया। मींस कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए और न्यू इंडस्ट्रीज खोलने के लिए जो लीडिंग रोल प्ले करेगा वो पब्लिक सेक्टर होगा। उस समय प्राइवेट सेक्टर को ये लीडिंग रोल इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि इंडिया में कैपिटलिस्ट की कमी थी, लोग उस समय इतना रिच नहीं हुआ करते थे, इसीलिए उस समय प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाई। इस कमीशन का एक ही पर्पस था कि ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और रिसोर्सेज के इफेक्टिव यूज के लिए प्लान्स बनाना है। तो जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने प्लानिंग पीरियड फिक्स कर दिया था 5 ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स। जो प्लानिंग कमीशन थी वो प्लान्स और पॉलिसीज बनाया करती थी, उन प्लान्स और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए 5 ईयर्स का टारगेट होता था। नाउ अब हम जानते हैं ये 5 ईयर प्लान्स के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सो लेट्स स्टडी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे इनका एक ही एम होता था कि नेशन की जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसे खत्म करना है और इंडियन इकोनॉमी को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। ये जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे इनमें ऐसे प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जाती थी जिससे जो वीकर सेक्शन है कंट्री का वो भी ग्रो कर सके। जो पहला 5 ईयर प्लान था वो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 तक। हर 5 ईयर प्लान के कुछ बेसिक गोल्स और गाइडलाइंस होती थी कंट्री को डेवलप करने के लिए। ये जो बेसिक गोल्स थे वो थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। लेट अस नाउ डिस्कस दीज 4 गोल्स इन डिटेल। फर्स्ट ग्रोथ। ग्रोथ मींस होता है कंट्री की ओवरऑल कैपेसिटी को इंक्रीज करना ताकि गुड्स और सर्विसेज का ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। ग्रोथ मींस हो सकता है या तो प्रोडक्टिव कैपिटल इंक्रीज हो जाए, या तो सपोर्टिंग सर्विसेज इंक्रीज हो जाए, या तो जो प्रोडक्टिव कैपिटल या सर्विसेज हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, मींस काम करने की क्षमता इंक्रीज हो जाए। कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है इसको पता करने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है, वो है जीडीपी। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है मींस कंट्री ग्रो कर रही है। जीडीपी मींस होता है कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू। अगर कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होती है मतलब कंट्री में गुड्स और सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। गुड्स और सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं तो लोगों के पास ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज हैं, यानी लोग अब क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं और इसको ही हम ग्रोथ कहते हैं। नाउ सेकंड गोल, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की काफी जरूरत थी ताकि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स भी इंक्रीज हो सके और लोगों का रहन सहन का तरीका भी अच्छा हो सके।
मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें आती हैं, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का एम था कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हम न्यू टेक्नोलॉजी से इंक्रीज करें, और सेकंड चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी था लोगों का सोशल आउटलुक चेंज हो सके। मॉडर्नाइजेशन का एम था कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाई जा सके जहां हर कोई ग्रो कर सके। सेल्फ रिलायंस मीन्स होता है सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया फूड क्रॉप्स, फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरीज के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंड हुआ करता था। इसीलिए ये एक्सटर्नल असिस्टेंस और डिपेंडेंसी हटाने के लिए ये जरूरी था कि इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सेल्फ रिलायंस का मीन्स होगा डोमेस्टिक कंट्री को डेवलप करना, वो भी डोमेस्टिक रिसोर्सेस का यूज करके। इस गोल का एम था कि हमें कंट्री की ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के लिए डोमेस्टिक रिसोर्सेस का यूज करना है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज व्हाई द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी। The policy of self-reliance was considered a necessity because of two reasons. Foreign dependency कम करने के लिए, और कोई भी foreign government अब इंडिया में आकर control ना कर सके या किसी भी तरह से इंटरफेरेंस ना कर सके, इसीलिए ये जरूरी था कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। इन दोनों रीजंस की वजह से ही सेल्फ रिलायंस को एक नेसेसिटी समझा गया था। नाउ फोर्थ, इक्विटी। इक्विटी मींस होता है पूरी सोसाइटी के सारे लोगों में समानता। ये जरूरी था कि कंट्री में जो भी ग्रोथ हो उसके बेनिफिट्स पूरी सोसाइटी को मिलने चाहिए। इक्विटी के हिसाब से हर इंडियन इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड, हाउस, एजुकेशन और हेल्थ केयर को पूरा कर सके, और कंट्री में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज हैं उन्हें भी कम किया जा सके। ये थे चारों गोल्स जिनको ध्यान में रखकर इंडिया के 5-year प्लान्स को बनाया गया। अब हम जानते हैं कि शुरुआत के 7 5-year प्लान्स से इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। इंडियन इकोनॉमी के इन तीनों सेक्टर्स को पढ़ेंगे हम। फर्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ना ही ग्रोथ थी, ना ही इक्विटी थी और ना ही मॉडर्नाइजेशन थी, और इंडिपेंडेंस के टाइम तक भी जो जमींदार थे वो एक्चुअल टिलर्स से लगान लिया करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी जिसकी वजह से इंडिया को अमेरिका से फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट करने पड़ते थे। उस समय इंडिया में 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी, इसीलिए पहले 5-year प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। नाउ फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। 1950 से 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हाल थे, हम इनको कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। पहला, लो प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम थी। इसका मेन रीज़न था कि जो इंडिया के फार्मर्स थे उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सेकंड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ऐसा ही था।
एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे जहां दो या तीन फार्मर्स को काम करना चाहिए, वहां पर पांच या छह फार्मर्स एंगेज थे, क्योंकि लोगों के पास इतनी लैंड नहीं हुआ करती थी और पॉपुलेशन ज्यादा थी। थर्ड, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। उस समय ज्यादातर फार्मर्स रेनफॉल पर ही डिपेंड होते थे इरिगेशन के लिए। उस समय कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी काफी इफेक्ट होती थी। अगर किसी साल बारिश कम होती थी तो उस साल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम होता था। फोर्थ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स होता है सिर्फ खुद के कंजप्शन के लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, कोई भी सरप्लस क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं करना जिसे मार्केट में बेचा जा सके। उस समय सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हुआ करते थे। फिफ्थ, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी नहीं थी, पुरानी हार्वेस्टिंग मशीन जो डेप्रिशिएट हो चुकी हैं उनका ही यूज किया जाता था। ज्यादातर हार्वेस्टिंग को मैनुअली ही किया जाता था। नाउ, पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम जानते हैं कि 5-year प्लान्स में क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। 5-year प्लान्स में मेनली 2 मेजर्स लिए गए थे। ये मेजर्स थे लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले लैंड रिफॉर्म्स को समझते हैं। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स होता है जो लैंड होल्डिंग्स है उसकी ओनरशिप चेंज कर देना। इंडिया जैसी कंट्री में लैंड रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इंडिया में लैंड होल्डिंग्स का ओनर जमींदार को बना दिया था, लेकिन उस लैंड पर एक्चुअल फार्मिंग कौन करता था? टिलर्स। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे ताकि टिलर्स को उनकी लैंड वापस मिल जाए और उनको ही इस लैंड का एक्चुअल ओनर बना दिया जाए। अगर देखा जाए तो लैंड रिफॉर्म्स से कौन सा गोल अचीव हो रहा है? इक्विटी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू अब लैंड होल्डिंग्स के डिवीजन में समानता आ पाएंगी। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले इंटरमीडियरीज को हटाया गया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए कि वो ये इंटरमीडियरीज को एबोलिश कर पाए और टिलर्स को एक्चुअल ओनर बना पाए। इस स्टेप के पीछे जो आइडिया था वो ये था, अगर टिलर्स को एक्चुअल ओनर बना दिया गया तो जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स या हेल्प देगी वो डायरेक्ट टिलर्स को मिल सके, जिससे डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज की वजह से 200 लाख टेनेंट्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ पाए थे। नाउ, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मीन्स होता है एक पर्सन अपने पास कितनी जमीन रख सकता है उसके लिए एक लिमिट फिक्स कर देना। मीन्स एक पर्सन के नाम पर कितनी जमीन हो सकती है इसकी एक लिमिट फिक्स कर देना। इस लिमिट से ज्यादा जो भी जमीन होगी एक पर्सन के पास, उससे वो जमीन छीन ली जाएगी और गवर्नमेंट वो जमीन उन लोगों को दे देगी जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है खेती करने के लिए। लैंड सीलिंग का पर्पस था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज को कम किया जाए और जो कुछ लैंड ओनर्स थे जिनके पास बहुत सारी लैंड होल्डिंग्स थी उनसे उनकी एक्सेस लैंड को लिया जा सके और वो जमीन लैंडलेस फार्मर्स को दी जा सके। लेकिन जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने लैंड सीलिंग से बचने के लिए उन्होंने इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में देरी कराई और जो भी लैंड होल्डिंग उनके नाम है वो अपने रिलेटिव्स के नाम पर रजिस्टर करा ली, जिससे गवर्नमेंट की नजर अब उन पर नहीं पड़ेगी। अब हम जानते हैं इन दोनों पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या कंक्लूजन आया। लैंड रिफॉर्म्स केरला और वेस्ट बंगाल में काफी सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया। हालांकि अदर स्टेट्स ने ऐसा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से
वहां पर इनइक्वालिटीज इन लैंड होल्डिंग अभी भी एक मेजर इशू था। इसके बाद हम दूसरी पॉलिसी पे आते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम सेकंड पॉलिसी को समझते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी थी जो इंडिया ने थर्ड प्लान में अडॉप्ट की थी लगभग 1960 के समय। इस पॉलिसी के थ्रू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हटाकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। इस स्ट्रेटजी का एक ही एम था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को न्यू केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, मार्केटिंग फैसिलिटीज के थ्रू इंक्रीज करना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन को अब हम डीप में समझते हैं। इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया की 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो मॉनसून पर डिपेंड होता था इरिगेशन के लिए। जिस साल बारिश कम होती थी उस साल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम होता था। इसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चरल सेक्टर की वो भी काफी कम थी, क्योंकि उस समय ना तो कोई अच्छी टेक्नोलॉजी थी और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था। इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू हम कह सकते हैं उस समय इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी बैकवर्डनेस थी। फिर उसके बाद कुछ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की मेहनत और उनके कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से इस स्टैग्नेशन को हमेशा के लिए हटाया जा सका और जिसको हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स होता है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके। इंडिया के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ी तरक्की साबित हुई, जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया। ये HYB सीड्स क्या होती हैं? अब हम ये जानते हैं। HYB सीड्स का फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। HYB सीड्स को मिरेकल सीड्स या वंडर सीड्स भी कहा जाता है। इन सीड्स के यूज करने से प्रोडक्टिविटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इन सीड्स को यूज करने के लिए दो नेसेसिटीज होती हैं। पहली रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज, दूसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इन सीड्स को यूज करने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी और वाटर सप्लाई होना जरूरी है। दूसरी इन सीड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज किया जाता है, इसीलिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी जरूरत है ताकि इन केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को खरीदा जा सके। ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम जानेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशियंसी अचीव कर पाया। इंडिया को अब अमेरिका पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फूड क्रॉप्स के लिए। इसको हम तीन पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया में अब फार्मर्स मार्केटेबल सरप्लस भी मेंटेन कर पा रहे थे। मार्केटेबल सरप्लस मीन्स होता है टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में से कितना पार्ट ऐसा है जो अब हम मार्केट में बेचने के लिए ले जा सकते हैं अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद। मींस हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद जो क्रॉप्स बचती हैं मार्केट में सेल करने के लिए उनको हम मार्केट सरप्लस कहते हैं। सेकेंड, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट अब फूड ग्रेन्स का स्टॉक बना के रख पाई, जिस स्टॉक को इंडियन गवर्नमेंट मुसीबत के समय पे यूज कर सकती है। थर्ड, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। जब इंडिया में प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो ज्यादातर फार्मर्स मार्केटेबल सरप्लस अटेन करने लगे, जिसकी वजह से मार्केट में लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बिचने लगा। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज
और फिर इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की प्राइसेस कम हो गई और जो लो इनकम ग्रुप हैं जिनकी आधे से ज़्यादा संपत्ति फूड ग्रेन्स को खरीदने में ही खर्च हो जाती थी, अब उन्हें फूड ग्रेन्स पहले से सस्ते में मिल पाएंगी। नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया, वो तभी प्रोग्रेस कर पाती हैं जब नेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर के कंपैरिजन में। इंडस्ट्रियल सेक्टर से कंट्री में मॉडर्नाइजेशन और प्रॉस्पेरिटी दोनों इंक्रीज होती हैं, इसीलिए इन रीजंस की वजह से ही इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की काफ़ी नीड थी और जिसकी वजह से 5-year प्लान्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए काफ़ी प्लान्स और पॉलिसीज बनाए गए। उस समय इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज ही डेवलप्ड थी और सिर्फ दो ही आयरन स्टील फर्म्स थे, एक जमशेदपुर में और दूसरा कोलकाता में, इसीलिए इंडिया में इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप करने की अभी काफ़ी ज़रूरत थी। नाउ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस के वक्त जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके सामने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के क्या रोल होंगे। जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू होगा या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होगा। फाइनली पॉलिसी मेकर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए मेजर रोल पब्लिक सेक्टर को दिया और इस डिसीजन के पीछे थे ये तीन रीजंस। फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। उस समय इंडिया में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकें। इंडिया में उस समय केवल टाटास और बिरलास ही बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू की। सेकंड, लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो इंडियन मार्केट था वो इतना बड़ा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर आ सकें और मेजर प्रोजेक्ट्स पर अभी इन्वेस्ट कर सकें। अगर उनके पास कैपिटल भी है ये करने के लिए तो भी इंडिया का मार्केट अभी लिमिटेड था। थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जो गोल है इक्विटी और सोशल वेलफेयर, ये तभी अचीव हो सकते हैं जब गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करे, इसीलिए पॉलिसी मेकर्स ने इंडिया की सिचुएशन को समझते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मेजर रोल पब्लिक सेक्टर को असाइन किया और इसके साथ साथ कुछ पॉलिसीज ऐसी भी थी जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर भी अपनी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 आया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई जिसके थ्रू कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी रूल्स और काफ़ी पॉलिसीज बनाई गई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ज़रूरी होती है प्रोसीडर्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए, जिससे पूरी कंट्री में इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को कंट्रोल किया जा सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के बाद इंडिया में काफ़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए जिसकी वजह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 लॉन्च कर दी। ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था 30 अप्रैल 1956 में। इस पॉलिसी के थ्रू इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी। स्केड्यूल ए
यानी पहली कैटेगरी में 17 इंडस्ट्रीज आती हैं। इन इंडस्ट्रीज पर पूरा कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट का रहेगा। और ये 17 इंडस्ट्रीज थी ये। स्केड्यूल बी ये दूसरी कैटेगरी है। इसमें 12 इंडस्ट्रीज आती हैं। इन इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए जो इनिशिएटिव होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट लेगी और बाद में इन इंडस्ट्रीज को हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। ये 12 इंडस्ट्रीज थी ये। नाउ स्केड्यूल सी इस थर्ड कैटेगरी में जितनी भी बची हुई इंडस्ट्रीज थी वो सब आ जाती हैं और ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर खोल सकते हैं। इन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा और इनकरेज करेगा कि इन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नेशन में हो पाए। इस स्केड्यूल में आने वाली सारी इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना होगा। तो अब हम समझते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक रिटन परमिशन होती है जो गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। परमिशन मिल जाने के बाद ही प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एक एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एक्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट इन तीनों एक्टिविटीज के लिए लाइसेंस इशू करेगा। पहला, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसे लाइसेंस लेना होगा। सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। जो इंडस्ट्रीज पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, अगर उन इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना है और तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर कोई इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो उसे गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन लेनी होगी और गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाने के बाद ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकती हैं। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1955 में विलेज और कार्प कमेटी ने सोचा कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल देनी चाहिए। उस समय इन इंडस्ट्रीज के लिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थी वो थी 5 लाख रुपीस। प्रेजेंट में इस लिमिट को चेंज करके 1 करोड़ कर दिया गया है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो लेबर इंटेंसिव हुआ करती थी, यानी उनमें लेबर की ज्यादा जरूरत होगी कैपिटल के कंपैरिजन में, जिससे काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। उस समय एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही थी जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी। सेकेंड, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से कॉम्पीट नहीं कर सकती थी। इसीलिए अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो उन्हें बड़ी इंडस्ट्रीज से बचा के रखना ज्यादा जरूरी था। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। पहला, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। दूसरा, वेरियस कंसेशन। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गुड्स का प्रोडक्शन रिजर्व कर दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट काफी कंसेशंस भी देता था, लो एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा। नाउ फॉरेन ट्रेड। एक कंट्री जो अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। यानी इंडिया की फॉरेन ट्रेड में
इंडिया के सारे एक्सपोर्ट्स और सारे इंपोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। Foreign trade in India includes all imports and exports to and from India. 1950 के टाइम पर इंडिया में फॉरेन ट्रेड के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। What is import substitution policy? ये पॉलिसी क्या थी इसको अब हम डीप में समझते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी मींस होता है कंट्री में जो भी गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट किए जाते हैं उनको अब इंपोर्ट ना करके वही गुड्स को डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस किया जाए। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कंट्री की जो भी इंपोर्ट्स होती हैं उन्हें खुद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करना। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आज तक इंडिया में जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट होकर आते हैं। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम ये व्हीकल्स इंपोर्ट ना करके खुद डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे। उस समय इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंट होना सबसे जरूरी था, इसीलिए इंडियन इकोनॉमिस्ट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इस पॉलिसी को हम इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इस पॉलिसी का बेसिक एम था कि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाना है। India is not importing goods. Means, we are saving our foreign exchange, which was spent on importing goods. Yes, we are saving our precious foreign exchange reserves. We are producing goods in domestic country. Yes, we are becoming self-reliant. के थ्रू कंट्री के दो ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। पहला सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा अचीविंग सेल्फ रिलायंस। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ्स एंड कोटास। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दो मेजर्स लिए थे, टैरिफ्स और कोटास। गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पर जो टैक्सेस लगाती है उसे हम टैरिफ्स कहते हैं। इन इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाने का एक ही एम था कि ये गुड्स डोमेस्टिक कंट्री में और महंगे हो जाएं, जिससे लोग इन्हें परचेस ना करें। और कोटास मींस होता है कि एक प्रोडक्ट की इंपोर्ट पर एक लिमिट सेट कर देना। इस लिमिट से ज्यादा अब हम इस प्रोडक्ट को डोमेस्टिक कंट्री में और इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक कंट्री में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट करने से ह्यूमन बीइंग्स की एबिलिटीज, उनकी क्वालिटी और स्किल्स इंक्रीज होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स ही एक साधन होते हैं जिससे कंट्री के फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाता है। एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए फिजिकल कैपिटल भी बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल कैपिटल में आते हैं वो सारे इनपुट्स जिसके थ्रू कंट्री में आगे और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स और मशीनरीज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। और ह्यूमन कैपिटल मीन्स पीपल्स की स्किल्स, एबिलिटीज, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज। इस सब के थ्रू ही एक पर्सन फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाता है, जिससे कंट्री में इनोवेटिव गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो पाते हैं। सो नाउ द टाइम इज टू स्टडी द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होते हैं और इन्हें हम मार्केट में बेच सकते हैं, और ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल होते हैं क्योंकि किसी भी पर्सन की स्किल्स दिमाग से निकाल के बेची तो नहीं जा सकती हैं। और इसके अलावा
फिजिकल कैपिटल टाइम के साथ डेप्रिशिएट होते जाते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में भी डेप्रिशिएशन होता है, लेकिन इसे हम कम कर सकते हैं उस पर्सन की हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करके। और इसके अलावा फिजिकल कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब ये ज्यादा मोबाइल होता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल होते हैं। और लास्ट पॉइंट, फिजिकल कैपिटल को हम ओनर से अलग कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक पर्सन की स्किल्स को उस पर्सन से अलग नहीं कर सकते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू एक पर्सन में हम स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज, एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं। मींस सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक अनप्रोडक्टिव पर्सन को प्रोडक्टिव बनाने की प्रोसेस को ही हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में एक पर्सन न्यू स्किल्स एक्वायर करता है, जिसके थ्रू वो कंट्री में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाता है। अब ये जानना जरूरी है कि हम किन किन तरीकों से एक पर्सन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। Let us study each of them in brief. First, expenditure on education. किसी भी person में knowledge, skill या ability develop करनी है तो इसका सबसे अच्छा source होता है education. Education के through ही एक person knowledge gain कर पाता है, जिसको apply करके वो goods या services provide कर पाता है। जो लेबर स्किल होती है एक एजुकेटेड पर्सन की, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू अनएजुकेटेड पर्सन, जिसकी वजह से एक एजुकेटेड पर्सन ज्यादा इनकम अर्न कर पाता है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो हमारी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम नॉलेज गेन करें, एक्सपर्टीज गेन करें, फिर आगे जाके कोई जॉब करें और इनकम अर्न करें। ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एजुकेशन के थ्रू ही हमारे अंदर डाइवर्स स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज आ पाती हैं। जो बेनिफिट होते हैं एजुकेशन के, वो काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये बेस्ट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। कंट्री की जो लेबर फोर्स होती है उसे हेल्दी रखना काफी जरूरी होता है। लेबर फोर्स एफिशिएंटली और लॉन्ग टर्म तक वर्क करती रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि हम उनकी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे इकोनॉमी में हेल्दी लेबर सप्लाई बनी रहे। पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट की वजह से जो मैन पावर की क्वालिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी तरफ से जो वैल्यू एडिशन होता है वो कम होता चला जाता है, जो एक लॉस होता है कंट्री के लिए। इसीलिए हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करना काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे कंट्री में प्रोडक्टिव लेबर फोर्स मेंटेन रहे। इसके अलावा लोगों को एडिक्वेट फूड, प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज मिल सके, जिससे ह्यूमन कैपिटल का क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो सके। कंट्री में लोगों की हेल्थ के लिए हम इन सारे फॉर्म्स में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। पहला, प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। दूसरा, क्यूरेटिव मेडिसिन, जब किसी पर्सन को डिसीज होता है, उस डिसीज को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, उन्हें हम क्यूरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को कैंसर है तो कैंसर ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो होती हैं क्यूरेटिव मेडिसिन। थर्ड, सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन मीन्स हम हेल्थ और हाइजीन को प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस करें। फोर्थ, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। फिफ्थ, गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज। नाउ थर्ड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो हमें ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करना होगा। और इसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू, प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू,
जिससे उनके अंदर इफेक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप हो पाए। तो इस रीजन की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगी हैं, जिससे उनकी स्किल्स और एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाती है, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होगी। इसके अलावा अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कुछ कंपनीज वर्कर्स को कंपनी के अंदर ही स्किल्ड एम्प्लॉयर्स के सुपरविजन में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, और इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऑफ कैंपस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं। नाउ फोर्थ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पीपल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं जहां उन्हें हायर सैलरीज मिलती हैं। जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, अगर उन्हें एब्रॉड या किसी दूसरी प्लेस पर ज्यादा अच्छी इनकम मिलती है तो वो माइग्रेट कर लेते हैं, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जिस कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अब वो पर्सन पहले की कंपैरिजन में ज्यादा इनकम अर्न कर पा रहा है। लेकिन माइग्रेशन में भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसके अलावा जब एक पर्सन माइग्रेट करके किसी डेवलप्ड प्लेस पर या एब्रॉड जाता है तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो भी हाई होती है। ये जो एक्सपेंडिचर किया गया है माइग्रेशन पर, इसे तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन माना जाएगा जब उसकी अर्निंग इस माइग्रेटेड प्लेस पर इन दोनों कॉस्ट को मिलाकर भी ज्यादा होगी। नाउ फिफ्थ, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। जो पर्सन इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन कहते हैं। और वो इंफॉर्मेशन हो सकती है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, मार्केट में लेबर प्राइस क्या चल रहे हैं, ब्रोकरेज एटसेट्रा। और इस एक्सपेंडिचर को ही हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन की वजह से ही एक पर्सन सही डिसीजन ले पाता है, और इस डिसीजन की वजह से आगे चलकर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को ये एक्सपेंडिचर करने से बेस्ट कॉलेज मिला, जिससे उसकी नौकरी एक बहुत अच्छी जगह लगी और वो हायर सैलरी अर्न कर रहा है। नाउ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों सेम से लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में एक क्लियर डिस्टिंक्शन है, तो चलिए इसे जानते हैं। ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से किसी भी पर्सन की हेल्थ और एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि उसके थ्रू प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से किसी भी पर्सन की हेल्थ और एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, जिससे उस पर्सन की ग्रोथ हो सके और अच्छी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सके। ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ एक तरीका है जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन बीइंग्स में की गई है उनकी हेल्थ और एजुकेशन के लिए, वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगी अगर ये पर्सन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं तो। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से ये सारी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही की जाती हैं। हमें ह्यूमन वेलफेयर को इंक्रीज करना चाहिए उनकी एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करके, चाहे उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो या ना हो। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू बी लिटरेट एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। चैप्टर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमंस की स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज, इन सब के डेवलपमेंट को ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। नाउ फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। थिंक, अगर एक कंट्री के पास लैंड रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, कोल रिसोर्स है, सोलर एनर्जी रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, सारे रिसोर्सेस हैं, मशीन्स है, फैक्ट्रीज हैं, लेकिन कोई स्किल्ड पर्सन ही नहीं है जो लैंड को प्रोडक्टिव बना पाए और फैक्ट्रीज में बेस्ट गुड्स प्रोड्यूस कर पाए,
तो क्या वो कंट्री ग्रो कर पाएगी? नहीं। और अब दूसरी कंट्री के पास बहुत स्किलफुल पर्संस हैं, लेकिन रिसोर्सेज ही नहीं है, तो क्या ये कंट्री ग्रो कर पाएगी? नहीं। तो अपन कह सकते हैं कोई भी कंट्री सिर्फ तभी ग्रो कर सकती है जब वो अपने फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएगी। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। नाउ फिजिकल कैपिटल, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक प्लांट्स एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। इसमें मशीन्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल आ जाते हैं। कंट्री की ग्रोथ के लिए फिजिकल रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स बिल्डिंग्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज इंक्रीज करना जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। लेकिन ये इंक्रीज कौन करेगा? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स होता है ह्यूमंस की स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, एजुकेशन, जिससे वो फिजिकल कैपिटल का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स होता है ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन कैपिटल मीन्स होता है उनकी स्किल्स, एबिलिटी और नॉलेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में स्किल्स डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट करके स्कूल भेजते हैं जिससे आप कुछ सीखो और डेवलप कर पाओ। सोसाइटीज नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल। पराग सर स्किल एजुकेटेड पर्सन है, ही इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें अभी कोई स्किल्स नहीं आती हैं। सो स्टूडेंट्स आर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए पहले से ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है। नाउ मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव द स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड हिज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Sources of human capital formation. First, expenditure on education. Proper utility of manpower depends on the system of education and training of people. What does it mean? Let's understand it by example. Suppose two boys, Ramesh and Suresh. Ramesh goes to school and studied about agriculture, but Suresh never went to school. Both have same piece of land. Ramesh learned new skills, gained knowledge about agriculture in school, but Suresh never been to school. After 1 year, Ramesh agricultural production is very high, but Suresh agricultural production is low. But why? क्योंकि रमेश को proper knowledge थी agriculture के बारे में, जिसकी वजह से वो सारे resources का proper utilization कर पाया। और वहीं सुरेश प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हैंस लो प्रोडक्टिविटी। एक एजुकेटेड पर्सन की लेबर स्किल एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से एजुकेटेड पर्सन ज्यादा अर्न कर पाता है। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। It is education which inculcates the most diverse skills, expertise and knowledge in a person. Benefit of education are more than expenditure on education. That's why education is a merit good. Education contributes to economic growth because education confers high earning capacity on people. It gives better social standing and pride. It enables one to make better choices in life. It
also stimulates innovation. It facilitates adoption of new technologies. Means, educated person new technology जल्दी अपना लेते हैं और वहीं uneducated person proper knowledge ना होने की वजह से technology से दूर भागते हैं. Now, second, expenditure on health. Health expenditure is a source of human capital formation as it directly increases the supply of healthy labor force. Poor health या undernourishment की वजह से person अपनी full capacity में work नहीं कर पाता है और ज़्यादा poor health की वजह से वो मजबूर हो जाते हैं जिसकी वजह से no work. Productive labor force को maintain करने के लिए उनकी health पर expenditure करना ज़रूरी है. Forms of health expenditure. The various forms of health expenditure includes preventive medicines known as vaccination, curative medicine, medical intervention during illness, third, social medicine, spread of health literacy, fourth, provision of clean drinking water, fifth, good sanitation facilities. Now third, on the job training. हमने अभी पढ़ा, अगर human capital अच्छा है, तो physical capital का best utilization हो पाएगा, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. इसलिए बहुत सारे फर्म्स वर्कर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने लगे. इससे वर्कर्स की स्किल्स एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जिससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. ऑन द जॉब ट्रेनिंग में टेक डिफरेंट फॉर्म्स. वर्कर्स में बी ट्रेन इन द फॉर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर्स. वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग. नाउ फोर्थ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हाई सैलरीज के लिए. अनएम्प्लॉयड रूरल पीपल अर्बन एरियाज में आते हैं जॉब्स के लिए. माइग्रेशन में दो तरह की कॉस्ट आती हैं. पहला, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. दूसरा, माइग्रेटेड प्लेस पर रहने के खर्चे जो पहले से ज्यादा हाई होते हैं लेकिन वहाँ पर अर्निंग भी ज्यादा होती है. इसलिए expenditure on migration is a source of human capital formation. Now, fifth, expenditure on information. लोग खर्च करते हैं labor market, educational institutions, health institutions के बारे में जानने के लिए, जिससे उनकी knowledge increase होती है और उनका earning potential भी increase होता है. Human capital means होता है humans की skills और abilities. और इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स होता है कंट्री की रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होना. और ऐसा कब होता है? जब कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. नाउ वी हैव मोर गुड्स टू कंज्यूम. ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? एक एजुकेटेड पर्सन की स्किल्स, एक्सपर्टीज, एबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू एन इलिटरेट पर्सन, जिससे वो बेस्ट और हाई प्रोडक्शन कर पाता है, विच इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ. सिमिलरली, हेल्दी पीपल कंटिन्यूस लेबर सप्लाई प्रोवाइड कर पाते हैं जिससे उनका कंट्रीब्यूशन हाई होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में. इन कंट्रास्ट टू एन अनहेल्दी पर्सन जो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है, रिजल्टिंग इन low life expectancy and this is a loss of manpower. Now, we can conclude, एक person के पास अगर best education और good health है, तो उसकी income generating capacity ज़्यादा high होगी. Role of human capital formation. First, effective use of physical capital. फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कैसे रिलेटेड है? ह्यूमन मींस अपने हार्ट और इंटेलिजेंट वर्क से फिजिकल कैपिटल फॉर्म करते हैं जिससे अपन प्रोडक्शन करके कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं. फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ह्यूमन कैपिटल पर डिपेंड करता है. अगर ह्यूमन कैपिटल के पास बेस्ट स्किल्स है तो वो इससे हाई प्रोडक्शन कर पाएंगे, और अगर स्किल्स कम है तो नो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो लो प्रोडक्शन. सेकंड, हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से मींस
ह्यूमंस की स्किल्स और एबिलिटीज इंक्रीज होने से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं। ये स्किल्स और नॉलेज कहाँ से आती हैं? एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू। इसके साथ साथ गुड हेल्थ भी जरूरी है। थर्ड, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से डायरेक्टली ह्यूमंस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जिससे अब वो न्यूट्रिटिव फूड अफोर्ड कर पाते हैं और हेल्थ फैसिलिटीज भी ले पाते हैं और लॉन्गर लाइफ जी पाते हैं। फोर्थ, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एजुकेटेड पर्सन अवेयर होते हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को समझते हैं और अपनी फैमिलीज छोटी रखते हैं एज कंपेयर्ड टू लिटरेट पर्सन। नाउ कमेंट आउट द आंसर्स ऑफ द एमसीक्यू। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स की एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। इन कंट्रास्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हर पर्सन एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सके। ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स एक साधन है जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। ह्यूमन बीइंग्स पर की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट व्यर्थ है अगर वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाता है तो। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर हर ह्यूमन बीइंग का अधिकार है, जिससे वो एक हेल्दी और क्वालिटी लाइफ जी सके। Human welfare is not the main objective. Human welfare is the main objective. Problems of human capital formation. First, insufficient resources. Human capital formation के लिए जो resources हैं वो बहुत कम हैं, जिससे human capital भी बहुत कम हैं. Second, serious inefficiencies. अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब्स ना होना। जब कोई काम ही नहीं है तो एजुकेटेड पर्सन की स्किल्स और कैपेबिलिटीज कैसे यूटिलाइज होंगी? हेंस नो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्कर्स की स्किल्स के हिसाब से जॉब नहीं मिलना। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास सारी स्किल्स और कैपेबिलिटीज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए, लेकिन कोई वैकेंसी ही नहीं है। सपोज इसकी जगह टाइपिस्ट की जॉब है तो उसे मजबूरी में टाइपिस्ट की जॉब करनी होगी, जिसमें उसकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज यूज ही नहीं होंगी। इन दोनों केसेस में ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मैसिव लिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज अदर इनफिशियंसीज हैं। थर्ड, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मीन्स पीपल एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएं जहां उन्हें अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक डॉक्टर की इनकम है 50,000 पर मंथ, लेकिन उसे कनाडा में 1,50,000 मिल रहे हैं, तो वो सीधा उड़ के कनाडा चला जाएगा जहां वो एक अच्छी और ज्यादा रिच लाइफ जी पाएगा, which results in loss of quality human capital in India. Fourth, lack of proper manpower planning. Manpower planning means person को उसकी skills के हिसाब से right job मिलना। अगर manpower planning नहीं है तो क्या होगा? There will be an imbalance between the demand and supply of human resources of various categories. Let's understand. इकोनॉमी में टू टाइप्स के वर्कर्स होते हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स एंड लो स्किल्ड वर्कर्स। अगर इकोनॉमी में हाई स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, और लो स्किल्ड वर्कर्स की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम, पहले केस में लो प्रोडक्शन होगा
और दूसरे केस में वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग ना होने की वजह से इकोनॉमी के रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। चैप्टर 6, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट एक कंटीन्यूअस और कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस है जिससे रूरल पीपल की लाइफ हर तरह से अच्छी हो सके। रूरल डेवलपमेंट रिफर्स टू कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। रूरल डेवलपमेंट करने के लिए हमें जरूरी एक्शंस लेने होंगे जिससे विलेज इकोनॉमी आगे बढ़ सके। हम जानते हैं इंडिया में रूरल सेक्टर के लिए लाइवलीहुड का मेजर सोर्स एग्रीकल्चर है, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करने से रूरल एरियाज और रूरल पीपल दोनों डेवलप हो पाते हैं। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करने से रूरल इकोनॉमी पूरी तरह से ग्रो नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ अदर एरियाज हैं जहां हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है। सम ऑफ द एरियाज व्हिच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, लैंड रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन क्रेडिट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एटसेट्रा। रूरल एरियाज में लोग ज्यादातर फार्म एक्टिविटीज में ही इंगेज होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं। इसीलिए ओवरऑल रूरल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें डिफरेंट एरियाज में इनिशिएटिव्स लेने होंगे जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। अब रूरल इंडिया के कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे क्रेडिट एंड मार्केट सिस्टम, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट लुक एट रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट रूरल एरियाज में आधे से ज्यादा लोग फार्मिंग में ही इंगेज होते हैं, इसीलिए रूरल एरियाज में क्रेडिट की नीड ज्यादा होती है, क्योंकि फार्मिंग के थ्रू इनकम जनरेट करना एक लंबी प्रोसेस होती है। पहले फार्मर्स को सीड खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, फिर फर्टिलाइजर्स के लिए, मैन्योर्स के लिए और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके लिए फार्मर्स को समय समय पर क्रेडिट की नीड पड़ती है। फिर पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद जब क्रॉप्स रेडी होती हैं, तब फार्मर उन क्रॉप्स को सेल करके इनकम जनरेट कर पाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में क्रॉप सोइंग से लेकर इनकम जनरेशन तक जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनिशियल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए फार्मर्स को समय समय पर क्रेडिट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। How rural people fulfill their credit needs during independence? Independence के टाइम पर फार्मर्स अपनी क्रेडिट की नीड्स को पूरा करने के लिए मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के पास जाते थे, उनसे उधार में पैसे लिया करते थे और उन पैसों पर जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स थे वो हैवी इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे।
जिसकी वजह से फार्मर्स ज्यादातर डेट ट्रैप में फंस जाते थे और उनकी कंडीशंस बुरी होती चली जाती थी। मींस सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर फार्मर्स की कंडीशन बहुत बुरी थी और कई बार तो ऐसा हुआ करता था कि बहुत ज्यादा कर्ज हो जाने की वजह से बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर लेते थे। 1969 मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन रूरल क्रेडिट सिस्टम। 1969 में एक मेजर चेंज आया जब सरकार ने सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच इंट्रोड्यूस किया, जिससे अब किसान इन बैंक्स और एजेंसी से लोन ले सकते थे और उन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स की एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते थे। और फिर 1982 में नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट सेटअप किया गया। ये एपेक्स बैंक है जो रूरल एरियाज में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा। 1969 के बाद रूरल एरियाज में क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। ऐसा सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हो पाया। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज अ हार्बिंगर ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम एज इट लेंड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। देखा जाए तो अब रूरल क्रेडिट सिस्टम के दो टाइप्स हो चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में पुराने सोर्सेस आ जाते हैं, जैसे मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स एटसेट्रा, जिनसे फार्मर्स पहले लोन लिया करते थे। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक ऑफ क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक्स, द गवर्नमेंट, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस, ये सब इंक्लूड होते हैं। इन सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट को अब एक एक बार अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि जो पीजेंट्स हैं उन्हें मनी लेंडर्स के डेट ट्रैप से बाहर निकालना है और उन्हें कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराना है। सेकंड, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये बैंक्स फार्मर्स को लोन देते थे उनकी जमीन गिरवी रखकर। मींस फार्मर्स अपनी जमीन इन बैंक्स के पास एज अ कोलेटरल प्रोवाइड करते थे, जिसके बदले उन्हें क्रेडिट मिलता था। और इस क्रेडिट मनी से वो तीन चीजें कर सकते हैं। पहली, वो अपनी लैंड को परमानेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट जो उन्हें परचेज करने हैं वो उन्हें परचेज कर सकते हैं। तीसरा, जो उन पर पुराना कर्ज चढ़ा हुआ है वो चुका सकते हैं। थर्ड, कमर्शियल बैंक क्रेडिट। आज के समय में कमर्शियल बैंक्स मेजर रोल प्ले कर रहे हैं रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी एडवांस करने में। और 1969 के बाद कमर्शियल बैंक्स ने अपनी ब्रांचेस रूरल एरियाज में भी सेटअप कर ली, जिससे वो आज एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सपेंड करने में। फोर्थ, रीजनल रूरल बैंक्स। इन बैंक्स को उन एरियाज में ओपन किया गया था जहां पर कोई भी रूरल बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि ये क्रेडिट और अदर फैसिलिटीज स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, आर्टिशंस को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करेंगे रूरल एरियाज में। फिफ्थ, गवर्नमेंट। जो लोन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज में उनको तकावी लोन्स बोलते हैं, और ये लोन्स गवर्नमेंट इमरजेंसी टाइम्स पर इशू करती है, जैसे फेमाइंस, फ्लड्स एटसेट्रा।
और इन लोन्स पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज करती है वो कम से कम 6% होगा। सिक्स्थ, नाबार्ड। ये एपेक्स बैंक है जो पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करता है जो रूरल क्रेडिट को एक्सपेंड करने के लिए काम कर रहे हैं। नाबार्ड का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको स्ट्रेंथन कर सके और इसके अलावा इन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस कर सके। नाबार्ड नॉन फार्म सेक्टर को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिससे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हो सके, मींस फार्म वर्कर्स एज वेल एज नॉन फार्म वर्कर्स दोनों साथ में ग्रो कर सके। सेवेंथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है पहले हम इसे समझते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप होता है पीपल का जो साथ में मिलकर कुछ मनी सेव करते हैं, फिर जो पूल्ड मनी यानी जो इकट्ठी मनी होती है वो किसी पर्सन को लोन के फॉर्म में दे देते हैं जिसको क्रेडिट की नीड होती है, और ये लोन एक रीजनेबल इंटरेस्ट पर दिया जाता है जो लोन वो पर्सन छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में बाद में चुका सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट में ग्रोथ हुई है, लेकिन तब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जो लोग लोन लिया करते थे वो ज़्यादातर कंजप्शन पर्पसेस के लिए लिया करते थे। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो प्रोडक्टिव पर्पसेस यानी कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए या फार्मिंग करने के लिए या एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट खरीदने के लिए या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम लिया करते थे, जबकि इन सारे इनिशिएटिव्स का एक ही एम था कि कंट्री में प्रोडक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सके और रूरल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो सके। नाउ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम रैपिडली एक्सपेंड हुआ, उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स थे रूरल फार्म और नॉन फार्म आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो क्रेडिट फैसिलिटीज थी उनसे फार्मर्स को वैरायटी ऑफ लोन्स भी मिल पाए जिससे उनकी प्रोडक्शन नीड्स भी पूरी हो सकी, और इसके साथ साथ कंट्री में अब इतना बफर स्टॉक भी मेंटेन हो पाया कि अब फेमाइंस जैसी स्थिति आना मुश्किल थी, मीन्स कंट्री में अब फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो चुकी है। लेकिन अभी भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सो लेट अस स्टडी द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। फर्स्ट, इनसफिशिएंसी। जो वॉल्यूम था रूरल क्रेडिट का जो फार्मर्स या नॉन फार्म वर्कर्स को रूरल एरियाज में प्रोवाइड किया जा रहा था वो कम था। रूरल एरियाज में क्रेडिट की डिमांड काफी ज्यादा थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी। सेकंड, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। कंट्री में जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स थी वो अभी भी कम थी, पूरी तरीके से रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाई थी। थर्ड, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। फार्मर्स को जो अमाउंट लोन के फॉर्म में दिया जाता था वो काफी कम होता था, तो फिर फार्मर्स उन्हें प्रोडक्टिव पर्पसेस में यूज करने की जगह अनप्रोडक्टिव पर्पसेस यानी अपने कंजप्शन में ही यूज कर लेते थे। फोर्थ, लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स। जो बहुत पुअर और मार्जिनल फार्मर्स थे जिन्हें क्रेडिट की सबसे ज्यादा नीड थी उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसकी बजाय जो फार्मर्स पहले से ही थोड़े बेटर है उन्हें ही लोन्स की फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड हो पा रही थी। फिफ्थ, ग्रोइंग ओवरड्यूज। जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट में ओवरड्यू की प्रॉब्लम थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। जो बेसिक रीजन था लोन डिफॉल्ट होने का
वो ये था कि फार्मर्स इतने एबल भी नहीं हो पा रहे थे कि वो लोन्स को चुका सके, जिसकी वजह से जो क्रेडिट एजेंसीज थी वो देख रेख करके, छानबीन करके ही, फार्मर के बारे में अच्छे से पता करके ही उन्हें लोन दिया करती थी। और जो एग्रीकल्चरल लोन डिफॉल्ट रेट थी वो बढ़ती ही जा रही थी, और ऐसी भी सिचुएशंस थी जहां फार्मर्स मना ही कर देते थे कि वो अब लोन पे नहीं करेंगे, जिसकी वजह से स्मूथ बैंकिंग सिस्टम फंक्शनिंग नहीं हो पाई और एक तरीके से रूरल बैंकिंग सिस्टम फुली इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाया। Thus, we can say the expansion and promotion of the rural banking sector has taken a backseat reform. Commercial banks को छोड़कर जो other formal institutions थे, वो fail हो गए थे एक credit ecosystem बनाने में, जिससे जरूरतमंद लोगों की credit needs पूरी हो सके और बाद में उनकी growth के बाद loan recovery भी हो सके। Now, agricultural market system. Farmers जो total crop produce करते हैं, उसमें से जितनी surplus crops होती हैं, उनको farmers बेचने के लिए रखते हैं। अब ये crops farmer के पास से ultimate consumer के पास जा पाएं, इसके बीच में बहुत सारी processes involve होती हैं। और वो सारी प्रोसेसेस कहलाती हैं एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। जैसे फार्मर्स को सबसे पहले अपनी क्रॉप्स असेंबल करनी होती हैं, फिर उन्हें स्टोर किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैकेजिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, और फिर लास्ट में उन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को कंज्यूमर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम एक तरीका है जिसके थ्रू क्रॉप्स फार्मर्स के पास से अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक जा पाती हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। इंडिया में जो फार्मर्स थे वो अकेले क्रेडिट के लिए ही परेशान नहीं थे, उन्हें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में भी काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और वो प्रॉब्लम्स क्या थी, पहले हम इन्हें जानते हैं। फर्स्ट, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। जो बड़े बड़े फार्मर्स थे वो फार्मर्स की क्रॉप्स का वजन गलत बता देते थे, या उनके अकाउंट्स जो रिकॉर्ड्स होते थे, उन्होंने कितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस की हैं, कितनी बेची हैं, इन सब के रिकॉर्ड्स को भी उलट पलट कर देते थे। यानी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे वो फार्मर्स को कहीं ना कहीं बेवकूफ बना के अपना फायदा निकाल लेते थे। सेकंड, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। जो फार्मर्स होते थे उन्हें ज्यादा नॉलेज मार्केट के बारे में नहीं हो पाती थी, इसकी वजह से उनका ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो पाता था। थर्ड, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। जो फार्मर्स थे उनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक अपने पास फूड ग्रेन्स स्टोर करके नहीं रख सकते थे, इसीलिए मार्केट में जैसी भी प्राइस होती थी उन्हें हाल के हाल उसी प्राइसेस पर अपनी फूड ग्रेन्स बेचनी पड़ती थी। वो फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने पर क्रॉप्स बेचने का फायदा नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा आज भी जो 10% फूड ग्रेन्स हैं, वो आज भी वेस्ट हो जाते हैं प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज ना होने की वजह से। इसीलिए इन सारे रीजंस की वजह से ही ये जरूरी था कि गवर्नमेंट आकर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को रेगुलेट करे। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग मेजर्स को अडॉप्ट किया
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इम्प्रूव करने के लिए. हैव अ लुक एट द चार्ट. लेट अस स्टडी ईच ऑफ देम वन बाय वन. फर्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट्स. गवर्नमेंट का जो पहला मेजर था वो था कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स सेटअप करेगी जहां कंज्यूमर्स और फार्मर्स. आरकेजी इंस्टीट्यूट बाय सी पराग गुप्ता. जितने भी फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर सकेंगे, जिससे सेलर्स और ब्रोकर्स के बीच में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे फार्मर्स उनकी मेल प्रैक्टिसेस का शिकार नहीं हो पाएंगे. इस पॉलिसी से फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को फायदा हुआ. सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. गवर्नमेंट का एम था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जैसे रोड्स, रेलवेज, वेयरहाउसेस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिससे फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूस आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें, उन्हें क्रॉप स्टोर करने में प्रॉब्लम फेस ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टोरेज हाउसेस, वेयर हाउसेस, गोडाउन्स को भी बिल्ड कराने के लिए इनिशिएटिव लिए. लेकिन तब भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है वो अभी तक इनएडिक्वेट है. थर्ड, कोऑपरेटिव मार्केटिंग. कोऑपरेटिव मार्केटिंग का एम था कि फार्मर्स को फेयर प्राइस मिल सके उनकी क्रॉप्स के बदले. इस सिस्टम के अंदर जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं वो कुछ फार्मर्स मिलके बनाते थे, जो ये फैसला करते थे कि हम लोग साथ में इन क्रॉप्स को सेल करेंगे. इसकी वजह से वो कलेक्टिवली बार्गेन कर पाते थे और अपने लिए अच्छी प्राइसेस तय कर पाते थे जिस पे वो अपनी क्रॉप्स को बेच सकें. लेकिन तब भी रीसेंट पास्ट में कोऑपरेटिव मार्केटिंग में ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि जो फार्मर मेंबर्स थे उनकी कवरेज कम थी. दूसरा, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स के बीच में एप्रोप्रिएट लिंक नहीं बन पा रही थी, और इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनएफिशिएंट रहा. फोर्थ, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. फार्मर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दी थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे वीट, राइस, मेस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, इन सब की, जिसको बोलते थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इस प्राइस को ऑफर प्राइस भी कहा जाता था. ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर गवर्नमेंट तैयार होती है फार्मर्स से क्रॉप्स खरीदने के लिए. यानी फार्मर्स अपनी जितनी क्रॉप चाहें उतनी क्रॉप सरकार को सेल कर सकते हैं इस प्राइस पर. सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वीट और राइस खरीदती है कंट्री के लिए बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए. बफर स्टॉक बनाया जाता है जब कंट्री में सरप्लस प्रोडक्शन होता है, और इस स्टॉक को शॉर्टेजेस के टाइम पर यूज किया जाता है. इस स्टॉक के थ्रू गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स की सप्लाई और उनकी प्राइसेस को स्टेबल रख पाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, किसी साल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हुआ. अब क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हुआ यानी सप्लाई कम है, लेकिन डिमांड तो ज्यादा ही होगी क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी है. तो फिर इससे क्या होगा, क्रॉप्स की प्राइस बढ़ जाएगी. तो ऐसे में FCI क्या करेगी, जो उसके पास बफर स्टॉक है उसे भी मार्केट में सप्लाई कर देगी, जिससे सप्लाई वापस से वैसी हो पाएगी और प्राइसेस एक लेवल पर स्टेबल हो पाएंगी. नाउ थर्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट उन फैमिलीज को कम प्राइसेस पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं. यानी जितने भी BPL कार्ड होल्डर्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट राशन शॉप्स के थ्रू कम दामों पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, और इन राशन शॉप्स को कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप्स.
और जिन प्राइसेस पर ये फूड क्रॉप्स सेल की जाती हैं, उसे हम बोलते हैं फेयर प्राइस। ये प्राइस मार्केट प्राइस से काफी कम होती है। नाउ नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंट्री में जो फार्मर्स होते हैं उन्हें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और इस प्रोसेस में रिस्क बहुत हाई होती है। इसमें कुछ तय नहीं होता है कि हमारी कितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगी या मॉनसून इस साल सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन सब रीजंस की वजह से फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। इसकी वजह से कंट्री में बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड भी कर लेते थे। इसके अलावा प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, उनके पास न्यू टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी, ना ही कोई ज्यादा खास नॉलेज हुआ करती थी। इन सब रीजंस की वजह से फार्मर्स ने अलग अलग कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज करना भी शुरू कर दिया और इसको ही हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हैव अ लुक एट द चार्ट बिलो। नाउ लेट अस स्टडी ईच ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें फार्म एनिमल्स को ब्रीड, रियर और उनकी केयर की जाती है और उसके बाद फिर उन फार्म एनिमल्स के थ्रू ही उन्हें बेचकर या उनकी स्किन का यूज करके या उनके हेयर्स का यूज करके इनकम जनरेट की जाती है। इंडिया उन देशों में से एक है जिनके पास लाइफ स्टॉक की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग में ज्यादातर कैटल्स, गॉट्स, फोल्स इनको ही रखा जाता है। इंडिया में लाइफ स्टॉक फार्मिंग में पोल्ट्री का सबसे ज्यादा शेयर है 58%। नाउ डेयरिंग। डेयरिंग वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीड किया जाता है, रेस किया जाता है और उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, फिर उस मिल्क से अदर डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है। डेयरिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके थ्रू मिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उससे अदर प्रोडक्ट्स भी बनाकर उनको प्रोसेस और स्टोर करके सेल किया जाता है। इंडिया में जो डेयरी सेक्टर की परफॉर्मेंस है पिछले 3 decades से वो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन की वजह से इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में आज फर्स्ट नंबर पर है। इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 70 मिलियन टन से 102.6 मिलियन टन हो गया था 2006 and 2007 में और फिर यही प्रोडक्शन 2016 और 17 में 165.4 मिलियन टन हो गया था। ऑपरेशन फ्लड को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रिवॉल्यूशन ये स्टार्ट किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में और ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन की चेयरमैनशिप में। इस रिवॉल्यूशन का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि नेशन वाइड मिल्क ग्रिड बन सके। ऑपरेशन फ्लड सिस्टम के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं वो अपना सारा मिल्क प्रोड्यूस एक साथ पूल करेंगे और फिर उस मिल्क की ग्रेडिंग की जाएगी और ग्रेडिंग के बाद उसी मिल्क को प्रोसेस किया जाएगा और उसे अर्बन सेंटर्स में मार्केटेड कर दिया जाएगा कोऑपरेटिव्स के थ्रू। और जो फार्मर्स हैं जिन्होंने जितना मिल्क दिया है उन्हें उसके बदले फेयर प्राइस और इनकम दी जाती थी। नाउ फिशरीज। फिशरीज वो ऑक्यूपेशन है जिसमें फिशेस या अदर एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ा जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है और फिर बाद में उन्हें बेच दिया जाता है। जो फिशरीज सेक्टर है वो एक मेजर रोल प्ले करता है कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फिशिंग। जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स,
इनको माता माना जाता है या प्रोवाइडर कहा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही वो अपना जीवन चला पा रही हैं। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन। प्रेजेंटली आज जो फिश प्रोडक्शन है इनलैंड सोर्सेस से वो 64% है टोटल फिश प्रोडक्शन के, और जो बैलेंस 36% है वो मैरीन सेक्टर से आता है। मैरीन सेक्टर मींस सी और ओशियंस। थर्ड, शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी। जो टोटल फिश प्रोडक्शन है वो 0.8% है टोटल जीडीपी के। इंडिया में वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नाउ फोर्थ, प्रॉब्लम फेस्ड इन फिशिंग। जो ज्यादातर फिश वर्कर फैमिलीज हैं वो पुअर हैं। इसके पीछे ये कुछ रीजंस हैं: वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा अर्निंग्स, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर, हाई इलिटरेसी रेट एंड इनडेटनेस। नाउ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक आर्ट या साइंटिफिक अप्रोच होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का। ये जो क्रॉप्स होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। इसके अलावा इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। इंडिया हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट कर पाया है क्योंकि इंडिया के पास वेरिएंग क्लाइमेट है, मींस ऐसा क्लाइमेट जो जगह जगह पर अलग है और अलग अलग प्रकार की सोयल कंडीशंस अवेलेबल है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट, कंट्रीब्यूशन। जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है 6% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, और ये नियरली 1/3 पार्ट है पूरे एग्रीकल्चरल आउटपुट का। सेकंड, शेयर इन वर्ल्ड प्रोडक्शन। इंडिया एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभर के आया है वैरायटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करने में, जैसे मैंगोस, बनानास, कोकोनट्स, कैशूनट्स और अलग अलग कुछ स्पाइसेस में भी। इंडिया का जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन है वो नियरली 74.877 मिलियन टन्स था 2010-11 के बीच में, और वेजिटेबल्स का 146.554 मिलियन टन्स था सेम ईयर में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोनों फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पूरे वर्ल्ड में। थर्ड, इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन। हॉर्टिकल्चर की वजह से बहुत सारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गई थी। उनके लिए हॉर्टिकल्चर एक ज्यादा अच्छा लाइवलीहुड का सोर्स बन गया था। फोर्थ, ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट। जो फ्लावर हार्वेस्टिंग है, नर्सरी मेंटेनेंस है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है, टिश्यू कल्चर है, सीड्स का प्रोपोगेशन, फ्लावर्स का प्रोपोगेशन, फूड प्रोसेसिंग, ये ज्यादा हाईली रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस बन गए थे वुमेन के लिए रूरल एरियाज में। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने देखा जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उसमें हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, इन सब की जरूरत पड़ती है क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से ये सारे टॉक्सिन्स फूड में भी आ जाते हैं और ये वाटर सोर्सेस में भी चले जाते हैं। इनसे लाइफ स्टॉक को भी हार्म होता है, सोयल डिप्लीट हो जाती है और नेचुरल इकोसिस्टम खराब होने लगता है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करती है क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए। इन टेक्निक्स से एनवायरमेंट या किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं
वो ज्यादा हेल्दी होते हैं और उनमें जो न्यूट्रिटिव कंटेंट होता है वो भी ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रोसेस है सेफ और हेल्दी फूड प्रोड्यूस करने की और इससे एनवायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। शॉर्ट में कहा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है फार्मिंग का जिससे हम रीस्टोर, मेंटेन और इनहेंस कर सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। ज्यादा बेनिफिट्स होने की वजह से और फूड सेफ्टी होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड की डिमांड काफी ज्यादा है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्स्ट, इकोनॉमिकल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन सब का यूज नहीं किया जाता है। जो ये हैवी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, अब हमें इनमें अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू लोकली प्रोड्यूस चीप ऑर्गेनिक इनपुट का यूज करते हैं और उससे ही क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। जो ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स हैं, उनकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा होती है, जिससे इनकम भी काफी अच्छी हो पाती है। थर्ड, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। इस प्रोसेस के थ्रू जो फूड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। फोर्थ, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं और इस फार्मिंग में लेबर की जरूरत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू कन्वेंशनल फार्मिंग, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो पाता है। फिफ्थ, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं, वो पेस्टिसाइड फ्री होती हैं और वो एक एनवायरनमेंट सस्टेनेबल वे में प्रोड्यूस की जाती हैं, जिससे एनवायरनमेंट पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। चैप्टर 6, रूरल डेवलपमेंट। Meaning of rural development. Rural development refers to continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. Let's understand this. Rural areas में mostly persons खेती करते हैं अपना घर चलाने के लिए। अगर rural people के living standard को raise करना है तो agricultural development करना जरूरी है। Because agriculture is the only source of income for rural people. रूरल डेवलपमेंट का मीन्स है रूरल एरिया के हर सेक्टर में डेवलपमेंट करना, जिससे इकोनॉमिक और सोशल स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सके। रूरल पीपल अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। रूरल पीपल की हेल्थ और एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करना सबसे ज़रूरी है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, हेल्थ इम्प्रूव हो, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, एज अ रिजल्ट उनकी इनकम इंक्रीज हो और वो अच्छी लाइफ जी सके। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जिससे ओवरऑल क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव हो सके। थर्ड, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स भी जरूरी थे ताकि मिडिल मैन को हटा दिया जाए और टिलर्स को एक्चुअल ओनरशिप मिल सके लैंड की, उन्हें अब हाई इंटरेस्ट पे ना करना पड़े और जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है वो डायरेक्टली टिलर्स को मिल सके, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो। फोर्थ, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। इंडिया की 30% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो अच्छे से दो वक्त का खाना भी नहीं खा पाते हैं, इसलिए वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी जरूरी हैं ताकि पुअर पीपल की लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो सके। फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना जरूरी है, जिससे वो अदर सोर्सेज से भी कमा सके। रूरल क्रेडिट। फार्मर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्रॉप स्विंग और इनकम रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम गैप होता है,
उन्हें थ्रू आउट द टाइम क्रेडिट की जरूरत होती है जिससे वो हाई प्रोडक्शन कर सकें। फार्मर्स अपने इन्वेस्टमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्सेज से पैसे उधार लेते हैं ताकि सीड्स फर्टिलाइजर्स खरीद। सो वी कैन से क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। An efficient and effective rural credit delivery system is crucial for raising agricultural productivity and incomes. Sources of rural credit. Green revolution के बाद से credit की need और भी बढ़ गई थी क्योंकि इसमें ज्यादा chemical fertilizers और proper irrigation facilities चाहिए होती हैं। There are two sources of rural credit. First, non-institutional sources. Second, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। लेट्स लर्न दैट। जब कोई प्रॉपर बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे तो फार्मर्स मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स से उधार ले लेते थे। जो मनी लेंडर्स होते थे वो लोन्स पर बहुत हाई इंटरेस्ट लेते थे। बेचारे फार्मर्स के पास कोई चारा नहीं था तो उन्हें ये हाई इंटरेस्ट देना पड़ता था और कुछ फार्मर्स अपने रिश्तेदारों से उधार ले लेते थे। पर ये ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स क्या हैं? ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स फार्मर्स को लोन देते थे उनकी क्रॉप्स गिरवी रखकर, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। इसके साथ साथ ये शर्त भी थी कि फार्मर्स ने जो क्रॉप ग्रो करी है उन्हीं को बेचनी होगी, वो भी सस्ते दामों पर। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की वजह से फार्मर्स बर्बाद हो गए थे। वो कुछ नहीं कमा पाते थे, उल्टा डेट ट्रैप में फंस जाते थे जिससे सुसाइड्स भी इंक्रीज हो गए थे। 1969 के बाद सरकार ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि वो किसानों को कम ब्याज पर लोन दे सके जिससे फार्मर्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर, फर्स्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट के थ्रू पीजेंट्री फार्मर्स को कम रेट पर लोन मिलता था ताकि वो कर्ज मुक्त हो सके। सेकेंड, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये लोन लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए या पुराना लोन चुकाने के लिए या एग्रीकल्चरल सप्लीमेंट खरीदने के लिए ही मिलता था। फार्मर्स को इस लोन को लेने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी होती थी। थर्ड, कमर्शियल बैंक क्रेडिट। 1969 में नेशनलाइजेशन के बाद कमर्शियल बैंक्स रूरल एरियाज में भी एक्सपेंड हो गए जिससे अब फार्मर्स डायरेक्ट लोन ले सकते हैं। फोर्थ, रीजनल रूरल बैंक्स। ये बैंक्स उन जगहों पर खोले जाते थे जहाँ कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती थी। इसका मेन एम था कि मार्जिनल और रूरल फार्मर्स, आर्टिशंस और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके और वो ग्रो कर सके। फिफ्थ, द गवर्नमेंट। जो लोन्स गवर्नमेंट देती थी उनको तकावी लोन्स कहते हैं और ये लोन्स इमरजेंसी या क्राइसिस जैसे फ्लड, फेमाइंस के टाइम पर ही दिए जाते हैं और इन लोन्स पर इंटरेस्ट रेट 6% होती है। सिक्स, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एपेक्स बैंक है जो रूरल एरियाज में डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोऑर्डिनेट करता है ताकि रूरल एरियाज में क्रेडिट एक्सपेंशन बढ़ सके और इसके साथ साथ नॉन फार्म सेक्टर की ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया की आधे से ज्यादा रूरल पॉपुलेशन अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है जिसमें बहुत हाई रिस्क होती है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है जिससे वो किसी दूसरे साधन से भी कमा सके। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। खरीफ सीजन में एग्रीकल्चर में अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और सस्ते में फार्मर्स अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन रबी सीजन में इन्वेस्टमेंट नीड्स ज्यादा होती हैं और मुनाफा कम होता है। तो अपन कह सकते हैं एग्रीकल्चर अपन को पूरे साल भर स्टेबल इनकम प्रोवाइड नहीं कर सकता है। एज अ रिजल्ट, डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर इज नेसेसरी टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से फार्मर्स को एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरा काम भी मिल पाता है जिससे वो अलग सोर्सेज से भी कमा पाते हैं। टू इनेबल देम टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू फार्मर्स ज्यादा अर्न कर पाते हैं। To enable rural people to overcome poverty and other troubles, diversification के through farmers ज़्यादा कमा पाते हैं, जिससे उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। Types of diversification, diversification of crop production,
diversification of productive activities. First, diversification of crop production means single crops की जगह farmers multiple crops grow करें. इसका main aim था कि farmers subsistence farming की जगह commercial farming करना start कर दें, जिससे उनकी income increase हो सके. Second, diversification of productive activities. Agriculture sector पहले से ही बहुत overcrowded है, इसलिए अदर नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी हैं, जिससे फार्मर्स को रोजगार के लिए दूसरे साधन भी मिल पाएंगे और उनकी इनकम भी इंक्रीज हो पाएगी. नॉन फार्म सेक्टर में दोनों डायनेमिक सेक्टर और सबसिस्टेंस एक्टिविटीज आती हैं. डायनेमिक सेक्टर से हाई ग्रोथ होती है, इसमें एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं. इसमें हाउसहोल्ड बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे क्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, पॉटरी भी आती हैं, जिसमें कम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए होती हैं. सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज में हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच इज कंसर्न्ड विद द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स. India owns one of the largest livestock populations in the world. Livestock production provides increased stability in income, food security, transport, fuel, and nutrition for the family without disrupting other food producing activities. In India, poultry accounts for the largest share of 58%, followed by others. Second, dairying. Dairying is that branch of agriculture which involves breeding, raising, and utilization of dairy animals for the production of milk and the various dairy products processed from it. Dairying is the business of producing, storing, and distributing milk and its product. Due to the successful implementation of Operation Flood, India ranks first in the world in milk production. Operation Flood or White Revolution was started by National Dairy Development Board in 1970 under the expert guidance of then chairman Dr. Varghese Kurien. The objective of White Revolution was to create a nationwide milk grid. Third, fisheries. Fisheries refers to occupation devoted to the catching, processing, or selling of fish and other aquatic animals. In India, after progressive increase in budgetary allocations and introduction of new technologies in fisheries and aquaculture, the development of fisheries has come a long way. The total fish production accounts for 0.8% of the total GDP. Presently, fish production from inland sources contributes about 64% to the total fish production. Fourth, horticulture. Horticulture refers to the science or art of cultivating fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices, and plantation crops. India has adopted horticulture as it is blessed with a varying climate and soil conditions. Horticulture sector contributes nearly 1/3 of the value of agriculture output and 6% of gross domestic product of India. Horticulture has emerged as a successful sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. Fifth, information technology. Information technology refers to that branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information. Information technology has a positive impact on the agriculture sector as it circulates information regarding emerging technologies and its applications, prices, weather, and soil conditions for growing different crops. Chapter 7. Employment, growth, informalization, and other issues. Basic concepts. Meaning of a worker. Worker कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है
जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होता है, जिसके थ्रू वो अपने रोजगार के लिए पैसे कमाता है। वर्कर्स जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उससे या तो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। हेलो, यू नो व्हाट इज जीडीपी? यस, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इज नोन एज जीडीपी। यस, तो अब हम कह सकते हैं कि वर्कर्स के थ्रू ही एक कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होती है। A worker contributes to the process of gross domestic product by rendering his productive activities. Now, who all are included in workers? इसमें सारे self-employed person include होते हैं, जैसे shopkeeper, barber, cobbler, etc. इसमें वो लोग भी include होते हैं जो लोग सिर्फ कुछ समय के लिए काम छोड़ देते हैं किसी भी रीजन की वजह से। इसके अलावा जो लोग मेन वर्कर्स की हेल्प करते हैं किसी भी तरह से, चाहे परमानेंटली या सिर्फ कुछ समय के लिए, उन्हें भी वर्कर्स कहा जाता है। सो द टर्म वर्कर्स इंक्लूड ऑल दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन वर्क वेदर फॉर अदर्स दैट इज पेड वर्कर्स और फॉर देमसेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्कर्स ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड। इंडिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें साल में सिर्फ कुछ समय के लिए ही काम मिलता है। और बहुत सारे वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने काम के लिए फेयर वेजेस भी नहीं मिलते हैं। नाउ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में वो सारे वर्कर्स आते हैं जो अभी काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो लोग भी आते हैं जो काम करना चाहते हैं। मींस लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्संस वर्किंग प्लस पर्संस सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। नाउ व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? जब लेबर फोर्स और टोटल पॉपुलेशन का रेशियो निकालते हैं तो इसे ही हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नाउ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स में सिर्फ वो इंडिविजुअल्स आते हैं जो करेंटली एम्प्लॉयड हैं। मींस इट इंक्लूड्स ऑल दोस पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। Now, calculation of number of unemployed people. After knowing labor force and workforce, we can easily calculate the number of unemployed people. Unemployed people equals to labor force minus workforce. Now, employment. एम्प्लॉयमेंट कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो सकती है जिसके थ्रू एक पर्सन रोजगार कमाता है। एम्प्लॉयमेंट के भी दो फॉर्म हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट फर्दर सब डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में, रेगुलर वर्कर्स कैजुअल वर्कर्स। लेट अस स्टडी ऑल दीज टर्म्स इन ब्रीफ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वर्कर खुद के रिसोर्सेज को लगाकर पैसे कमाता है और इन वर्कर्स को हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स अपनी लेबर स्किल्स को बेचकर पैसे कमाता है और इन वर्कर्स को हम एम्प्लॉय कहते हैं, और जो पर्सन इन एम्प्लॉयज को हायर करता है उसे हम एम्प्लॉयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर वर्किंग इन अ फर्म, इंजीनियर इज एन एम्प्लॉय एंड द फर्म इज एन एम्प्लॉयर। वेज एम्प्लॉयमेंट भी दो तरीके से हो सकता है, पहला रेगुलर वर्कर, दूसरा कैजुअल वर्कर। लेट अस स्टडी बोथ ऑफ दिस। फर्स्ट रेगुलर वर्कर, जो वर्कर्स किसी एंटरप्राइज में नौकरी करते हैं और
उन्हें रेगुलर बेसिस पर हर महीने सैलरी मिलती है और इसके साथ साथ उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। इन वर्कर्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्कर्स। इंडिया में जितने भी वर्कर्स हैं उसमें से 18% वर्कर्स रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं। नाउ सेकंड, कैजुअल वर्कर्स। जो वर्कर्स कैजुअली इंगेज होते हैं उन वर्कर्स को हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। इन वर्कर्स के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, कोई प्रोटेक्शन और रेगुलेशन गवर्नमेंट से इन्हें नहीं मिलती है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और ना ही कोई सोशल बेनिफिट्स मिल पाते हैं। इंडिया की टोटल वर्कफोर्स में से 30% वर्कर्स कैजुअल वर्कर्स हैं। नाउ ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 50 इयर्स की जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई थी उसमें इकोनॉमी के नेशनल प्रोडक्ट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए काफी स्टेप्स लिए गए थे। 1950 से 2010 तक इंडिया की जीडीपी पॉजिटिवली ग्रो हुई और ये ग्रोथ रेट हमेशा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट से ज्यादा रही। हालांकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में काफी सारे फ्लक्चुएशंस रहे, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कभी 2% से ज्यादा हुई ही नहीं। और फिर लेट 1990s में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डिक्लाइन होना शुरू हो गई और फिर एक समय ऐसा आया जब ये रेट इनिशियल लेवल पर आ गई। इनिशियल लेवल मींस दिस एंड द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द इनिशियल ग्रोथ रेट। ये जो गैप है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ में, ये बढ़ता जा रहा था और ऐसी ग्रोथ को ही हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नाउ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को एक टेबल के थ्रू समझते हैं एंड दिस इज द टेबल। इस टेबल के हिसाब से 1972 से 73 में जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं वो 61.4% हैं और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो 15.4% हैं और जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो 23.2% हैं। अब हम 1999 से 2000 के बीच में एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखते हैं। इस ईयर में सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है 52.6%। मींस हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो है 14.6%। यहाँ पर भी ना के बराबर थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है और वहीं कैजुअल वर्कर्स को देखा जाए तो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है और इसको ही हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। The process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage work is known as casualization of workforce. Now, informalization of Indian workforce. इस टॉपिक को समझने से पहले हमें दो सब टॉपिक्स और समझने होंगे और वो टॉपिक्स हैं ये फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ लेट अस स्टडी ईच ऑफ देम। फॉर्मल सेक्टर में सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस आते हैं और वो सारी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट आती हैं जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं और इनको ही हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स। जो वर्कर्स फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं उन्हें हम फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहते हैं। फॉर्मल वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं और ये इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स से ज्यादा अर्न करते हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करती है अपने लेबर लॉस के थ्रू।
नाउ इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस आ जाते हैं जिसमें 10 से कम एम्प्लॉइज काम करते हैं। इनको हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहते हैं। इनको ना कोई जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ना ही कोई रेगुलर इनकम होती है, ना ही गवर्नमेंट के थ्रू इनको प्रोटेक्शन मिलती है, ना ही कोई गवर्नमेंट का ऐसा लॉ है जो इनको रेगुलेट करे। इन वर्कर्स को कोई कंपेंसेशन भी नहीं मिल पाती है। इन वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये थे दो सब टॉपिक्स। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इसको अब हम एक टेबल से समझेंगे। एंड नाउ द टेबल इज दिस। इस टेबल को देखकर तो हम साफ कह सकते हैं ईयर वन में फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं 35% और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं 65%। लेकिन ईयर टू में ये जो फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं ये और कम होकर हो गए 20% और जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं वो इंक्रीज हो गए और वो इंक्रीज होकर 80% हो गए। मींस ईयर वन में जो वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में इंगेज थे वो अब इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज है और इसी शिफ्ट को हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स refers to a situation whereby the proportion of workforce in the informal sector to total workforce increases. Now, meaning of unemployment. Unemployment एक ऐसी situation होती है जिसमें people काम करना चाहते हैं existing wage rate पे लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। In short, unemployment refers to a situation in which people are willing and able to work at the existing wage rate but do not get work. Unemployment is confined not only to skilled workers, rather a sizable number of skilled workers fail to get jobs. Now, एक question अब ये आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि country में कितना unemployment है? तो इस डेटा को जानने के तीन सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट, रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। सेकंड, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO डेटा कलेक्ट करती है सैंपल सर्वेस के थ्रू और एक एनुअल एस्टिमेट देती है कि कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है और कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। और तीसरा सोर्स है डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग DGET। Now, let's study what are the types of unemployment in India. So, look at this chart. Disguised unemployment, seasonal unemployment, open unemployment. तो अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला, disguised unemployment. इसको हम hidden unemployment भी कहते हैं। Disguised unemployment एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक वर्क में जरूरत से ज्यादा लोग एंगेज होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक फील्ड है, इसमें सिर्फ दो वर्कर्स की जरूरत है लेकिन काम ना होने की वजह से इसमें 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये जो 3 वर्कर्स हैं इनको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे। It is the most predominant form of unemployment in the agriculture sector of developing countries like India. In the late 1950s, about 1/3 of agriculture workers in India were disguisedly unemployed. Now, seasonal unemployment. Seasonal unemployment एक ऐसी situation होती है जब workers को कुछ seasons में काम ना मिले। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो पूरी साल भर लगातार एंगेज नहीं होते हैं। कुछ कुछ सीजन ऐसे आते हैं जब फार्मर्स के पास कोई काम नहीं होता है, तो हम इन वर्कर्स को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड। नाउ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है जिसमें
जो पीपल हैं वो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, और वो काम करने के काबिल भी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है क्योंकि इकोनॉमी में जॉब्स है ही नहीं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर टोटली आइडियल। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स अपीयर टू बी वर्किंग एंड डू नॉट सीम टू बी आइडलिंग अवे देयर टाइम। Now, what are the causes of unemployment? First, slow rate of economic growth. Second, population explosion. Third, underdeveloped agriculture. Fourth, defective education system. Fifth, slow growth of industry. Sixth, decline of cottage and small scale industries. Eighth, inadequate employment planning. 9th, low capital formation. Now, at last, after studying the whole chapter, there is a question for you. The gap between the growth of GDP and the employment is widening. State the trend which highlights this phenomena. What is employment? Let's know. Employment is an activity from which a person earns means of livelihood. Means employment कोई भी काम हो सकता है जिससे एक व्यक्ति पैसे कमाता है अपना घर चलाने के लिए. Let's study some basic concepts of employment. First, meaning of worker. A worker is an individual who is involved in some economic activity to earn living. Means वर्कर कोई भी पर्सन हो सकता है जो कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाता है. ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक कॉबलर, बार्बर, फार्मर, शॉपकीपर, डॉक्टर्स, या पेड वर्कर्स भी हो सकते हैं, लाइक स्कूल टीचर, लेबरर्स, मैनेजर्स, मेड्स, जो सोसाइटी को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमाते हैं जिससे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है. Nature of employment in India is multifaceted, means India में employment के कई पहलू हैं. Let's study, जैसे कुछ लोगों को पूरे साल भर काम मिलता है, वो अच्छे से पूरी साल भर कमाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ कुछ seasons में ही work मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें other seasons में financial problem face करनी पड़ती है. इसके अलावा कहीं कहीं workers को उनके काम के हिसाब से सही पैसे भी नहीं मिलते हैं. और जब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट किए जाते हैं तब सिर्फ उन्हीं वर्कर्स को इंक्लूड किया जाता है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड होते हैं. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर एंड वर्कफोर्स. फर्स्ट, लेबर फोर्स. ऑल पर्संस हु आर वर्किंग एंड थो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क आर डीम्ड टू बी इन द लेबर फोर्स. मीन्स वो पीपल लेबर फोर्स में आते हैं जो करेंटली काम कर रहे हैं, और वो भी जो अभी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करना चाहते हैं. मींस लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क. वी कैन से लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्संस. लेबर फोर्स में 15 साल की उम्र से छोटे बच्चे जो काम करते हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है, और 60 की उम्र से ज्यादा बूढ़े लोग जो काम करते हैं उन्हें भी नहीं जोड़ा जाता है. सेकंड, वर्कफोर्स. द नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्कफोर्स. मींस वर्कफोर्स में सिर्फ वो लोग ही आते हैं जो करेंटली वर्क कर रहे हैं. नाउ कैलकुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल. हैव अ लुक एट लेबर फोर्स एंड वर्कफोर्स. लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड पर्सन एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पर्सन दोनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन वर्क फोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड पीपल इंक्लूड होते हैं. हेंस अनएम्प्लॉयड पीपल इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से पता चलता है कि एक कंट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज कैलकुलेटेड
by dividing the total number of workers in India by the population in India and multiplying it by 100. Important points about worker population ratio. First point, worker population ratio से ये पता चलता है कि एक देश में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं। अगर worker population ratio ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंट्री में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब ये है कि कंट्री में कम लोग काम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से ये भी पता चलता है सोसाइटी में वर्कर्स का क्या स्टेटस है। ये कैजुअल वर्कर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं या रेगुलर वर्कर्स हैं। नाउ मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी व्हिच इनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मींस ऑफ लिविंग। मींस एम्प्लॉयमेंट कोई भी काम हो सकता है जिससे एक व्यक्ति पैसे कमाता है अपने रोजगार के लिए। एम्प्लॉयमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। मींस एम्प्लॉयमेंट दो प्रकार से हो सकता है, पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मींस वर्कर अपने खुद के रिसोर्सेज लगाकर एक बिजनेस सेटअप करे और पैसे कमाए, इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एटसेट्रा। सेकेंड वेज एम्प्लॉयमेंट, एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न्स वेजेस इन रिटर्न इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। मींस वर्कर किसी और के लिए काम करे पैसे कमाने के लिए। जो पर्सन काम करता है वो एम्प्लॉय होता है और जो काम पर रखता है वो एम्प्लॉयर होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयज अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमाते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट टू टाइप्स का होता है, रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। फर्स्ट रेगुलर वर्कर्स, व्हेन अ पर्सन इज एंगेज्ड बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस देन सच वर्कर इज नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। मींस जब वर्कर्स को किसी एंटरप्राइज में परमानेंटली हायर किया जाए और रेगुलर सैलरी मिले तो उन वर्कर्स को रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कहा जाता है। इसमें वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। सेकंड कैजुअल वर्कर्स, वर्कर्स हु आर कैजुअली एंगेज्ड एंड इन रिटर्न गेट रिम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन आर टर्म्ड एज कैजुअल वर्कर्स। मींस ऐसे वर्कर्स जिनका कोई परमानेंट वर्क नहीं होता है उन्हें कभी कभी काम मिल जाता है जिसको करके वो कुछ पैसे कमा लेते हैं। उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है और ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी या सोशल बेनिफिट्स मिल पाते हैं। ग्रोथ मींस होता है कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होना। एम्प्लॉयमेंट मींस होता है कंट्री में कितने काम करने वाले लोगों की जरूरत है। जब कंट्री में वर्क और वर्कर्स ज्यादा होते हैं तब कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है जिससे जीडीपी इंक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट कंट्री में ग्रोथ होती है। लेकिन इंडिया में 1950 से 2010 तक ग्रोथ तो बढ़ती गई हर साल, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। जीडीपी ग्रोथ तो तेजी से इंक्रीज होती गई लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट कभी 2% से ज्यादा बढ़ी ही नहीं। इन सालों में जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में गैप बढ़ता चला गया और ऐसी ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। मींस जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मींस जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है जहां ग्रोथ तो हो कंट्री में लेकिन उसके साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कोई ग्रोथ ना हो। नाउ चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम जानते हैं इंडिया एक एग्रेरियन नेशन है, मींस इंडिया में ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं और उसी से अपना रोजगार चलाते हैं। एग्रीकल्चर में रिस्क भी हाई होती है और स्टेबल इनकम भी नहीं होती है, इसलिए गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का यही एम था कि वो लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में शिफ्ट कर सके। इंडिया में 1972 से 73 में 74.3% पॉपुलेशन
प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी और ये कम होते होते 2011 से 2012 में 48.9% हो गई, जिससे पता चलता है कि ज्यादातर लोग फार्म वर्क को छोड़कर नॉन फार्म एक्टिविटीज करने लगे। नाउ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मींस जब वर्कर्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट को चुनना पड़े तो उसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। इन सिंपल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से लोग कैजुअल एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड हो जाए तो उसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन whereby the proportion of workforce in the informal sector to the total workforce increases. Firstly, we should know informal sector and formal sector. What is formal sector? Let's know. Formal sector ko organized sector bhi kehte hain. All the public enterprises and private establishments which employ 10 or more hired workers are called formal sector establishment. Means formal sector में वो public enterprises या private enterprises आते हैं जिन्हें run करने के लिए 10 या 10 से ज़्यादा employees की ज़रूरत पड़ती है। For example, TCS ये एक private company है और इसमें 10 से ज़्यादा employees काम करते हैं। इन workers को formal sector workers कहा जाता है और इन workers को social security benefits भी मिलते हैं। इसके साथ साथ उनकी earnings भी ज़्यादा होती हैं और लेबर लॉस के अंडर इनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे लेबर एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं होती है। नाउ व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर? इनफॉर्मल सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोस प्राइवेट एंटरप्राइजेस व्हिच हायर लेस देन 10 वर्कर्स। मींस इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस आते हैं जिनमें 10 से कम वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, एक प्राइवेट फूड कंपनी है जिसमें सिर्फ 4-5 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और इनमें जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहते हैं। इसमें नॉन फार्म कैजुअल वेज वर्कर और कंस्ट्रक्शन वर्कर, हेडलोड वर्कर्स, ये सब आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है और ना ही कोई रेगुलर इनकम मिल पाती है। जब इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ज्यादा होते हैं तो उसे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता हो पैसे कमाने के लिए, लेकिन इकोनॉमी में उसके लिए कोई जॉब ही ना हो। लेट्स लर्न मोर अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्परेरी इवन इन इंडिया। कोई भी पर्सन बिना पैसों के नहीं जी सकता है, उसे कोई ना कोई काम तो करना होगा अपने रोजगार के लिए। जब उसे कोई काम नहीं मिलेगा तो वो मजबूरी में कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। Types of unemployment in India. India में unemployment 3 प्रकार से है: disguised unemployment, seasonal unemployment, open unemployment. First, disguised unemployment. Disguised unemployment refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed. Means, disguised unemployment एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही काम में बहुत सारे व्यक्ति लगे हों क्योंकि कंट्री में उनके लिए कोई दूसरी वर्क अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड पर 2 लोग चाहिए खेती करने के लिए, लेकिन उसी जमीन पर 5 लोग लगे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं उन्हें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे। सेकंड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट सर्टेन सीजंस ऑफ द ईयर इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मींस जैसे एग्रीकल्चर में पूरे साल भर काम नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ सीजन में ही फार्म वर्क होता है, बाकी अदर सीजन में फार्मर के पास कोई काम नहीं होता है, इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। थर्ड, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट।
Open unemployment refers to that economic phenomena in which persons are able and willing to work at the prevailing wage rate but fail to get work. Means, ये एक ऐसी situation है जब person काम करना चाहता हो लेकिन कोई job opportunity ही ना हो. Sustainable development. Meaning of environment. Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. Means, सारे external resources और factors मिलकर environment बनाते हैं. इसमें biotic और abiotic दोनों factors आते हैं. Biotic means वो elements जो living हैं, जैसे humans, animals, plants, fisheries, etc. Abiotic means वो सारे elements जो non-living हैं, जैसे air, water, land, etc. Functions of environment. The environment performs four vital functions. First, provides resources for production. Environment से हमें renewable और non-renewable दोनों resources मिलते हैं. Renewable resources ऐसे resources होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं. Example, trees, fishes, water, etc. और non-renewable वो resources होते हैं जो एक limit में ही available हैं, जैसे fossil fuels. इन्हीं resources का use करके हम goods का production कर पाते हैं. Second, environment assimilates waste. सारे biotic components की activities से जो भी waste generate होता है वो environment खुद में absorb कर लेता है और decompose कर देता है. Third, environment sustains life. जो life जीने के लिए basic necessities हैं, sun, soil, water and air, ये environment के ही part हैं, जिनके थ्रू अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है. फोर्थ, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. एनवायरनमेंट में लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एयर, एटमॉस्फेयर, एटसेट्रा, ये सब कुछ आता है. पीपल एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. सच एलिमेंट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. एनवायरनमेंट के थ्रू ये सारे फंक्शंस पूरे किए जा सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक. मींस द एनवायरनमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज डिमांड ऑन दीज फंक्शंस इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी. मींस एक क्षमता तक ही अपन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं. कैरिंग कैपेसिटी में टू थिंग्स आती हैं. फर्स्ट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट कम होनी चाहिए रिसोर्स जनरेशन रेट से. सेकंड, जो वेस्ट जनरेट होता है वो लिमिट में ही होना चाहिए जितना एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर सके. ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस. Means, जब अर्थ के एटमोस्फियर और ओशियंस का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. पर ये टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है? ये टेम्परेचर तब इंक्रीज होता है जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन गैसेस इंक्रीज होने लगती हैं. इसके अलावा डिफोरेस्टेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है. ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैनमेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर फोर्सेस. मींस क्लोरीन और ब्रोमाइन जैसे केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होने से ओजोन का अमाउंट कम होने लगता है और ओजोन लेयर पतली होने लगती है, जिसे अपन ओजोन डिप्लीशन कहते हैं. कॉजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन क्लोरीन
और ब्रोमाइन कंपाउंड्स के बढ़ने से होता है। लेकिन ये कंपाउंड्स आते कहाँ से हैं? रेफ्रिजरेटर्स, एसीज में कूलिंग के लिए CFCs का यूज किया जाता है, जो ओजोन का अमाउंट कम कर देते हैं और उससे ऑक्सीजन फॉर्म कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ओजोन का अमाउंट कम होता जाता है। इसके अलावा एरोसोल प्रोपेलेंट्स और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स और ड्यूज में यूज किए जाते हैं, उनसे भी ब्रोमाइन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एज अ रिजल्ट ओजोन का अमाउंट कम हो जाता है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, वो अर्थ तक आ पाती हैं, जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां ज्यादा होने लगी हैं। इसके अलावा फाइटोप्लैंकटन भी कम होने लगे हैं। फाइटोप्लैंकटन प्लांट की तरह होते हैं, जो ओशियंस में ग्रो करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी वजह से ही मोस्टली ओशियन मैरीन लाइफ पॉसिबल हो पाती है। ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया है, जिसमें यूएन ने ओजोन लेयर को बचाने के लिए CFCs के यूज को रोकने के लिए कहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो जो मेंबर कंट्रीज इसे साइन करेंगी, वो CFCs का कंजप्शन और प्रोडक्शन 2013 तक बंद कर देंगी। इंडिया साइन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलोंग विथ इट्स लंदन अमेंडमेंट ऑन 17 सितंबर 1992। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट चैलेंजेस टू एनवायरनमेंट। फर्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सोइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशंस कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मींस लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज हो जाना इंक्रीज पॉल्यूशन की वजह से या हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से या ड्रॉट की वजह से या किसी और रीजन की वजह से। सेकंड, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व्स द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स। मींस सारी फॉरेस्ट ट्रीज को कट करके उस लैंड को किसी और नॉन फॉरेस्ट वर्क के लिए यूज करना। थर्ड, सोइल इरोजन। सोइल इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सोइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड्स। मींस डिफॉरेस्टेशन की वजह से टॉप सोइल एक्सपोज हो जाती है, फिर विंड की वजह से टॉप सोइल इरोड होने लगती है, फिर वाटर या रेनफॉल की वजह से टॉप सोइल बह जाती है, जिसे सोइल इरोजन कहते हैं। फोर्थ, बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ व्हिच दे आर अ पार्ट। मींस बायोडायवर्सिटी लॉस मींस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज कम होना। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल भी हो सकते हैं, एक्वाटिक और मरीन एनिमल्स भी हो सकते हैं, या प्लांट्स और ट्रीज भी हो सकते हैं। इन सब की स्पीसीज जब कम होती हैं, तो इसे ही बायोडायवर्सिटी लॉस कहते हैं। फिफ्थ, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन एयर इन सच कंसंट्रेशंस व्हिच आर हार्मफुल टू मैन एंड द एनवायरनमेंट। मींस जब एयर में हार्मफुल गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो इसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट व्हिच विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशंस टू हैव अ पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ that is at least as high which is being enjoyed by the current generation. Means present mein resources ka sahi utilization karke development karna, jisse aaj ki needs bhi puri ho jaye aur
फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी बच पाएं, जिससे आगे भी डेवलपमेंट हो सके। चैप्टर 10 कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। In this video, we will study about China's economic structure. People's Republic of China, PRC, 1949 में establish हुआ था। ये तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका एरिया 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। China में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। Means, China is the first most populous nation in the world. चाइना को 1949 में वन पार्टी रूल के अंडर इस्टैब्लिश किया गया था। वन पार्टी रूल मतलब सिर्फ एक ही पार्टी रूल करेगी और वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, जिसमें चाइना के लोगों की जमीन, एंटरप्राइज, उनका सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे रूल को कम्युनिज्म कहते हैं और चाइना की इस कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ थे। 1958 में चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू किया, जिसके थ्रू चाइना को एग्रेरियन इकोनॉमी से मॉडर्न इकोनॉमी बनाया जा सके इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। इस प्रोग्राम के अंदर सभी लोगों से कहा गया कि वो अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज खोल लें और देश की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए माओ कम्यून सिस्टम लाया, जिसमें रूरल पीपल से कहा गया कि वो एक ग्रुप बनाकर साथ में कल्टीवेशन करें और जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा सरकार ले लेगी। GLF सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स आई, फूड की कमी हो गई और बाद में ड्रॉट की वजह से फूड की और ज्यादा कमी हो गई, जिससे 30 मिलियन लोगों की जान चली गई, जिससे माओ की ये GLF पॉलिसी ग्रेट फेलर रही। फिर ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन लाया गया, जिसके अंदर चाइना की यंगर जनरेशन को भड़काया गया कैपिटलिस्ट, फॉरेन और ट्रेडिशनल कल्चर के खिलाफ। कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए माओ ने बड़ी चालाकी से एक बुक के थ्रू यंग जनरेशन को कहा, जो भी इन कल्चर को फॉलो करे उन्हें मार डालो, जिससे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ चाइना में। रिलीजियस बुक्स जला दी गई, मंदिर भी तोड़ दिए गए। ये रिवॉल्यूशन 1965 से 1976 तक चला। इसके बाद 1978 में रिफॉर्म्स लाए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो कम्यून लैंड्स थे उनको छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करके एक एक पर्सन को दे दिए गए, सिर्फ खेती करने के लिए, मतलब उनकी कोई ओनरशिप नहीं है उस लैंड पर। और उनसे कहा गया कि अब इससे जो भी इनकम होगी वो आप रख सकते हैं, लेकिन टैक्स पे करने के बाद। बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर फर्म्स और विलेज एंटरप्राइजेस भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उन्हें भी इनसे कॉम्पिटिशन फेस करना होगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप की गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मींस ये एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां अपन ट्रेड बैरियर्स हटा देते हैं, जिससे वहां आप फॉरेनर्स आकर इन्वेस्ट कर पाएंगे। दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान, जिसको ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। पाकिस्तान में 1971 में सिविल वॉर की वजह से बांग्लादेश एक नया नेशन बना। पाकिस्तान वर्ल्ड की 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया गया। 1950 और 1960s में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए पॉलिसीज बनाई गईं और टैरिफ प्रोटेक्शन पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से बचा सकें।
ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ गया था। 1970s में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया, मींस सारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी। और 1970s में ही गवर्नमेंट ने डीनेशनलाइजेशन भी किया, जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज किया गया और इंसेंटिव्स भी दिए गए, जिससे नेशन में इन्वेस्टमेंट्स भी हो पाई। नाउ कंपैरेटिव स्टडी। फर्स्ट, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। दिस इज द टेबल शोइंग डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। फर्स्ट, पॉपुलेशन। चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान कंपैरेटिवली लेस पॉपुलस है। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। चाइना में पॉपुलेशन बढ़ने की रेट कम है, क्योंकि वहां वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी, और वहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.2% है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स होता है कितने एरिया ऑफ लैंड में कितनी पॉपुलेशन रहती है। वी नो चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, और चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी चाइना में है। चाइना में 146 पर स्क्वायर किलोमीटर और वहीं इंडिया में 441 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एंड 245 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इन पाकिस्तान। नाउ सेक्स रेशियो। तीनों कंट्रीज में लोग बॉय चाइल्ड को प्रेफर करते हैं। इंडिया में सेक्स रेशियो सबसे कम है, 929 फीमेल पर 1000 मेल्स, और वहीं चाइना और पाकिस्तान में 945 फीमेल पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मींस एक वुमेन ने कितने बच्चे पैदा किए हैं 15 टू 45 ईयर एज के बीच में। चाइना में फर्टिलिटी रेट सबसे कम है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है और इंडिया सेकेंड नंबर पर है 2.3 बर्थ्स पर वुमेन। नाउ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मींस रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करके उन्हें अर्बन एरियाज में कन्वर्ट करना। चाइना में अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है 59%, इंडिया में 33% और पाकिस्तान में 39%। नाउ ग्रोथ इंडिकेटर्स। दिस टेबल इज शोइंग द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। 1980 टू 1990 के पीरियड में चाइना की ग्रोथ रेट 10.3% थी, पाकिस्तान की 6.3% और इंडिया की सबसे कम 5.7% थी। लेकिन 2011 टू 15 में चाइना की जीडीपी 10.3% से गिरकर 7.9% हो गई, पाकिस्तान की जीडीपी भी 6.3% से 4% हो गई, लेकिन इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ हुई, जिससे इंडिया की जीडीपी 5.7% से 6.7% हो गई। आरकेजी इंस्टीट्यूट बाय सी पराग गुप्ता।